अच्छा, पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो वैसे तो इनिशियली म्यूटेड है, लेकिन अगर कोई सवाल है तो प्लीज ये चैट बॉक्स पे लिख दीजिए या अपना हाथ जो हैंड रेज कर दीजिए, तो जैसे ही आपको प्रेजेंटर या रिसोर्स पर्सन व्यू करेगा आपके क्वेश्चंस को, तो वो वैसे ही ड्यूरिंग द लेक्चर वो उनको आंसर भी कर देंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं, दोबारा रिज्यूम करते हैं। तो ठीक है, ये दिस इज माय इंट्रोडक्शन। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स को टेस्ट करना, उनके लिए टेस्ट सिस्टम बनाना मेरी स्पेशलिटी है, और उसमें एंड टू एंड फ्लाइट क्रिटिकल डिज़ाइन, टेस्ट, वैलिडेशन एंड डिप्लॉयमेंट बीन द पार्ट ऑफ 2 to 3 प्रोजेक्ट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ज़रा अपना ये सेशन, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे के एम्बेडेड सिस्टम्स होते क्या है। आपके हमारे इस पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे होंगे जिन्होंने एम्बेडेड सिस्टम पे काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन्हीं कुछ लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मॉडरेट है और कुछ लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेहतर ये है कि हम एक फॉर्मल रिव्यू कर लें एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। तो जितने कंप्यूटर्स आप देखते हैं जो कि विजिबल है, जैसे जिस सिस्टम पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ और आपके साथ ये जूम का सेशन कर रहा हूँ, जिस कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन, फॉर सर्चिंग वेब, फॉर एनीथिंग, तो द मोस्ट विजिबल यूज़ ऑफ कंप्यूटर जो है ना वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है। लेकिन ज़्यादातर जो कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं वो दे आर वेरी मच लेस विजिबल। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है आपका गाड़ी का इग्निशन कंट्रोल, इंजन कंट्रोल, ब्रेक सिस्टम, GPS, कैमरा, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव ओवन, एयर कंडीशनिंग, सेटेलाइट कंट्रोल, फ्लाइट कंट्रोल, राउटर्स, इंटरनेट राउटर्स, इंटरनेट गेटवेज, आपके हॉस्पिटल में कार्डियक मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स। तो ये वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर इस्तेमाल होने वाला जिनकी सारी कंट्रोल, सारी मॉनिटरिंग और सारा जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर होता है, और वो कंप्यूटर आपको नज़र नहीं आता। एक एसी के अंदर भी आपका एक सीपीयू होता है जो कि टेम्परेचर और को कंट्रोल करता है, कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करता है, लेकिन वो कंप्यूटर आपको नज़र नहीं आता। तो इससे इन सिस्टम्स को हम कहते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स, क्योंकि ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके बड़े सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं। आपके एसी के अंदर या आपकी गाड़ी के अंदर अगर कोई इग्निशन कंट्रोल सिस्टम है, तो वो इग्निशन कंट्रोल सिस्टम एक कंप्यूटर, एक सीपीयू है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। तो यहाँ पे जो हम अपना माइंडसेट चेंज करते हैं चीज़ों को देखने के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि ये कंप्यूटर अब सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, या इंटरनेट सर्फ करने के लिए, या जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए। ये जो कंप्यूटर है ये अब आपका एक फिजिकल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें जो स्टेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, और इनकी इनका डिज़ाइन इनका इनका डिज़ाइन प्रोसेस, इनकी डेवलपमेंट में एक डिफरेंट आपको मेथडोलॉजी चाहिए होती है और डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। तो अब कुछ एप्लीकेशंस को रिव्यू करते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम में, इस ऑटोमोटिव में आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS, इसी तरह गाड़ी का जो मेन ECU है, ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम अगर आपकी सेमी ऑटोनोमस गाड़ी है, एयर बैग सिस्टम, आपका एफिशिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिस तरह प्रोस्मेटिक सिविक है उसके अंदर सारे का सारा जो कंट्रोल है वो एक ECU करता है, अलर्ट सिस्टम, और गाड़ी के अंदर इस्तेमाल होने वाले क्लाइमेट कंट्रोल और व्हीकल HVAC सिस्टम्स। तो ये सारे सिस्टम्स जो हैं ये कंट्रोल होते हैं एम्बेडेड सिस्टम से, और ये 1960s जब ऑटोमोटिव बूम आया था, तो और उसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और माइक्रो प्रोसेसर बूम आया था, तो गाड़ी के अंदर कंट्रोल होने वाला जो मेन सिस्टम है वो फिर शिफ्ट हो गया था CPU पे। इससे पहले इस्तेमाल होते थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग सिस्टम्स। अच्छा, जिनको आवाज़ नहीं आ रही तो वो पिंग कर दें हारिस साहब को, तो बेहतर है कि ये सेशन जो है ना वो उसमें सबको इक्वली आवाज़ चली जाए। आवाज अभी काफी हद तक क्लियर है सर, लेकिन
लेकिन ये अब्दुल खुदूस साहब कह रहे हैं, हो सकता है वो पर्सनली किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन वैसे आपकी आवाज क्लियर है, काफी मैसेजेस आए। आप स्टार्ट करें सर। तो उसके बाद फिर ऑटोमोटिव के अलावा एरोस्पेस और एवियोनिक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है एम्बेडेड सिस्टम्स की, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हो गए आपके, ट्रैफिक कोलिजन एंड अवॉइडेंस, पायलट इन्फॉर्मेशन, या जहाज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाला जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे एम्बेडेड हैं। आपने अगर मिलिट्री एयरक्राफ्ट से एक मिज़ाइल फायर करना है तो उसकी कंट्रोल, उसकी मॉनिटरिंग और उसका जो बैकएंड सिस्टम है, इट्स बेस्ड ऑन एम्बेडेड सिस्टम। इसी तरह आपके फायर सप्रेशन सिस्टम होते हैं कार्गो एयरक्राफ्ट में, तो दैट इज़ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम। इसी तरह रॉकेट सेपरेशन होती है, जो थ्री स्टेज रॉकेट सेपरेशन जो आपके सैटेलाइट्स को लोअर ऑर्बिट में फेंकती है। तो ये तो एरोस्पेस और एवियोनिक्स की सारी एप्लीकेशंस हो गई। फिर आता है मेडिकल, तो मेडिकल में भी और बायोमेडिकल इक्विपमेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है एम्बेडेड सिस्टम्स की, और इसमें आपके पास वेंटिलेटर्स हो गए, पेशेंट मॉनिटरिंग, इनक्यूबेटर्स, ऑपरेशनल जो ऑपरेशनल थिएटर होता है उसकी इंटीग्रेशन, MRI मशीन्स और इको मशीन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब एम्बेडेड सिस्टम्स पे ही बेस करती हैं। तो इसके अलावा फिर अनमैन्ड सिस्टम्स में आपके पास रोबोटिक्स हो गए, UAVs हो गए, फॉरेस्ट्री मशीन, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वेयर हाउस रोबोट्स, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन सेंट्रलाइज्ड एम्बेडेड सिस्टम्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडस्ट्री 4.0, जो कि बेस ही जिसकी बेसिक जो फाउंडेशन है वो है एम्बेडेड सिस्टम। तो सेंसर इंटरफेस से लेकर आपका क्लाउड इंटरफेस और इसमें इस्तेमाल होने वाली मशीन कंडीशन मॉनिटरिंग, हैवी इक्विपमेंट की कंडीशन मॉनिटरिंग, ऑपरेशनल एसेट्स की ट्रैकिंग, टाइम सेंसिटिव नेटवर्किंग, ये सब चीज़ें जो है ना ये बेस करती हैं आपके एक एम्बेडेड सिस्टम पे। तो इन सब एप्लीकेशंस को यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि एक रिव्यू हो जाए कि एम्बेडेड सिस्टम की एक्चुअल यूजेज किधर है और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है एम्बेडेड सिस्टम्स की। अब ज़रा देखते हैं कि सेफ्टी क्रिटिकल एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। तो अब ये एक माइक्रोवेव ओवन है जो कि ऑलमोस्ट हर किसी घर में होता है और ये बड़ा सेफ एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है। आप इसको खोलते हैं, इसमें खाना गर्म करते हैं, इसमें टाइम सेट करते हैं। बट व्हाई डू यू ट्रस्ट दिस ओवन? वैसे देखा जाए तो ये माइक्रोवेव ओवन जो है इट कंसिस्ट ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक मैग्नेट्रॉन रेडिएटर होता है जो कि खाने को गर्म करता है, और उस मैग्नेट्रॉन रेडिएटर के सामने अगर आप लोग एक्सपोज हो जाएं तो उस खाने की जगह आपका हाथ गर्म हो सकता है, आपका हाथ पक सकता है। लेकिन ये चीज़ हमारे घर में बड़े आराम से रखी हुई होती है, बिल्कुल किचन के साथ और उस माइक्रोवेव ओवन के साथ आपके मज़ीद खाने की चीज़ें भी रखी होती हैं। इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म होने वाला खाना जो गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसको आपके बच्चे बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन आपको डर नहीं होता कि ये फेल होगा। उसकी रीज़न ये है कि दिस सिस्टम वॉज डिज़ाइन बाय कीपिंग इन व्यू ऑल द सेफ्टीज एंड ऑल द फेलियर्स, और ये एक स्टैंडर्डाइज इक्विपमेंट है जिसका फेलियर चांस जो है वो इतना है कि एवरी मिलियंथ ऑपरेशन तो ये एक दो फेल होगा। तो अब हम ट्रस्ट क्यों करते हैं इसको? वो इसलिए क्योंकि दिस इज़ अ सेफ्टी, दिस इज वेरी डेंजरस इक्विपमेंट। इसी तरह ये तो एक हाउस होल्ड एप्लीकेशन है जिसमें आपकी जो इक्विपमेंट जो सेफ्टी है उसका कंसर्न इक्विपमेंट से नहीं है, एक्चुअली वो कंसर्न उसका इंसानों से है, ह्यूमन से है। इसी तरह आपका एयरबैग सिस्टम है, तो एयरबैग सिस्टम में जो विक्टिम होता है वो एक पैसेंजर होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है वो सारा एम्बेडेड है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सिंपलिस्टिक ब्लॉक डायग्राम है एक एयरबैग सिस्टम की, जिसमें आपके पास एक रेडार है, छोटा सा डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट है जो कि सेंस करता है कि आपका डिस्टेंस गाड़ी का दूसरी गाड़ी से कितना है, और फिर वेट सेंसर है
जो कि ये डिटेक्ट करता है कि आपकी गाड़ी में साथ वाले सीट पे कोई पैसेंजर बैठा है या नहीं। इसके साथ साथ आपके पास एक मेन कंट्रोलर है जो कि सारा डिसीजन लेता है, और काम सिर्फ इसका ये है कि इसने सेंस करना है कि आपकी स्पीड जो है गाड़ी की, अप्रोचिंग स्पीड आपके ऑब्स्टिकल से या दूसरी गाड़ी से, वो कितनी है। और फिर उसने ये भी डिटेक्ट करना है कि आपके साथ वाले पैसेंजर्स या पीछे जो रियर साइड है उसमें कितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, और उसने वो चीज़ कंट्रोल सेंस करनी है और प्रोसेस करनी है, उसका डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने के बाद इसने एयर बैग्स को डिप्लॉय कर देना है, और आपका जो सीट बेल्ट है उसको टाइट कर देनी है। और फिर अगर बहुत ही एडवांस सिस्टम है जैसा टेस्ला है, तो वो क्या करता है कि आपकी गाड़ी से के थ्रू यूजिंग इंटरनेट, जो डीएमवी है यानी आपका जो सेंट्रलाइज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, उसको मैसेज दे देता है कि एक पोटेंशियल एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन ये कि इसमें इसमें जो है आपके पास एक एक कंप्यूटर है जो कि जिसके जिसके हाथों में पैसेंजर्स की लाइफ है। तो एयरबैग की डिप्लॉयमेंट अगर पहले हो जाए तब भी ख़तरनाक है, और एयरबैग की डिप्लॉयमेंट लेट हो तब भी ख़तरनाक है। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है टाइम की, वो बड़ी क्रिटिकल है। तो हम वो किस तरह मेक श्योर करेंगे कि ये सिस्टम सेफ है, और ये सिस्टम जो है वो फेलियर में किस तरह काम करता है। इसके साथ फिर जो एवियोनिक्स है, एरोस्पेस, एरोस्पेस में और एवियोनिक्स में इस्तेमाल होने वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं। उसी की सबसे बड़ी वजह यही है कि सबसे जो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो एयरक्राफ्ट है। इनकी जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरह रखी जाती हैं, और इस तरह के सिस्टम्स बनाए जाते हैं कि हर मिलियन फ्लाइट के बाद प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ एक जहाज से क्रैश होने की हो, जो कि कभी होता नहीं है, बहुत कम होता है। तो ये सारे का सारा जहाज जो है ना, ये इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं जो कि बेस करते हैं सारे एम्बेडेड सिस्टम में। आपका बेशक वो मिलिट्री जहाज है या फिर आपका कमर्शियल जहाज है, तो आपने अगर जो है सीट बेल्ट जो है, क्या कहते हैं जहाज की, उसको बांधने के से लेकर जहाज का जो फ्लाइट कंट्रोल है, क्रिटिकल फ्लाइट कंट्रोल, जहाज से कंट्रोल सर्फेसिस, उसका इंजन कंट्रोल, उसका रेडार, उसका वेदर रेडार, पायलट इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें जो हैं ये बेस करती हैं आपके एम्बेडेड सिस्टम में। और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, तो उसमें चीज़ें और भी मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो अब थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हम जब ये सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं तो अब ये कोई नॉर्मल सिस्टम नहीं है, ये कोई जनरल पर्पस कंप्यूटिंग नहीं है। क्योंकि जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के अंदर आप एक चीज़ जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो ये है कि अगर आपकी कोई आपका कोई सॉफ्टवेयर लैपटॉप में, पीसी पे या टैबलेट पे, वो सही तरह परफॉर्म नहीं करता, तो आप उसकी परफॉर्मेंस पे शक करते हैं, उसकी करेक्टनेस पे नहीं। करेक्टनेस का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप नॉर्मल पीसी पे एक पावर पॉइंट खोलते हैं, और पावर पॉइंट खोलने में देर लगाता है, तो उसके देर से खुलने में कोई जानी नुकसान नहीं है, वो सेफ्टी क्रिटिकल नहीं है। और उसके देर से खुलने में जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट हमेशा करेक्ट ही होगा। आप देर से सॉफ्टवेयर जब खुलता है तो उस पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई सेफ्टी इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं जिसमें फिजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड होता है, तो उसका देर से काम करना या उसका रिलायबल काम ना करना जो है, उसे करेक्ट फंक्शनिंग पे कोरिलेट करता है। यानी लेट से कि अगर एयरबैग सिस्टम जो है वो टाइम पे एक डिसीजन नहीं लेता, और एयरबैग जो है वो टाइम पे डिप्लॉय नहीं होता, तो द सिस्टम तो फेल है, लेकिन सिस्टम के फेल होने के साथ साथ जो आउटकम है वो बड़ा खतरनाक है, वो कैटास्ट्रॉफिक है। तो अब वो सिस्टम करेक्ट नहीं रहा, वो सिस्टम इनकरेक्ट हो गया, वो रॉन्ग हो गया, और वो सिस्टम फेल है। तो हमने बचना इस चीज़ से कि ये जो माइक्रोवेव ओवन है, ये इसमें बहुत काफ़ी सारे इंटरलॉक्स होते हैं, काफ़ी सारे सेफ्टी चेक्स होते हैं,
और वो सेफ्टी चेक्स अगर ना हो और अगर इसके अंदर इस्तेमाल होने वाले एम्बेडेड सॉफ्टवेयर या एम्बेडेड सिस्टम अगर टाइम पे कोई चीज़ ना करे तो हो सकता है कि आपका जो मैग्नेट्रॉन रेडिएटर है वो बंद ही ना हो कभी और वो चलता रहे, वो चलता रहेगा तो फिर आपकी ओवन की हालत इस तरह होगी, जब आपका ओवन की हालत इस तरह होगी तो आपका किचन चल सकता है और पूरा घर चल सकता है। तो यहाँ पे अब जो है स्टेक्स वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, यानी जानी नुकसान और इक्विपमेंट का लॉस वो अब आपके सामने। तो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम को फॉर्मली इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो सिस्टम्स होते हैं जिनका फेलियर और माल फंक्शन वो किसी इंसान की उसकी जान पे बेस्ड हो, यानी सीरियस इंजरी टू पीपल, लॉस और सिवियर डैमेज टू इक्विपमेंट एंड एनवायरमेंटल हार्म। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं, अगर आपका सिस्टम जो है वो फेल होके इक्विपमेंट को ख़राब करता है तो इक्विपमेंट ख़राब होने के साथ वो एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर सकती है, यानी आग लग सकती है, और अगर आग लग सकती है तो उस जगह पे मौजूद जो लोग हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह जहाज़ है, जहाज़ का कोई भी सिस्टम अगर टाइम पे अपडेट ना दे तो जहाज़ के क्रैश होने का ख़तरा है। इसी तरह सेल्फ ड्राइविंग जो गाड़ियाँ होती हैं इनका भी एम्बेडेड सिस्टम अगर टाइम पे डिसीजन ला ले तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके साथ साथ जो माइक्रोवेव ओवन है, अगर आप माइक्रोवेव ओवन का जो डोर है जो उसका वो अगर आप खोल के रखें और अगर एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ये सेफ्टी चेक ना हो तो वो जो रेडिएटर है वो चलना चल पड़ेगा और फिर इस तरह आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सेफ्टी क्रिटिकल के साथ साथ जो सिस्टम्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं इन चीज़ों में। दीज आर फ्यू टेक्निकल थिंग्स के आपका जाहिर सी बात है अगर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो यू नीड अ हाई परफॉर्मेंस एम्बेडिंग सिस्टम जिसकी आपस में इंटरकनेक्शन जो है वो हाई बैंडविड्थ डेटा बस पे है जिसमें रियल टाइम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है और एम्बेडेड सिस्टम इन्वायरमेंटली कंस्ट्रेंड होते हैं साइज वेट और पावर पे, यानी आप पूरा माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक फुल ब्लोन पीसी नहीं डालते, एक छोटा सा सीपीयू होता है जिसका साइज भी छोटा है, उसका वेट भी कम है और उसकी जो पावर बोथ इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटेशनल पावर वो भी लिमिटेड है। तो अब यहाँ पे आपके पास काफ़ी चीज़ें जो हैं काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हैं और आपके पास जो स्टेक्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे, यानी आपने अपना सिस्टम इस तरह बनाना है जो कि ये वेरीफाई कर ले और ये वैलिडेट कर ले कि आपका सिस्टम इट्सेल्फ पूरा वो सेफ्टी वो फेल सेफ है। तो यहाँ पे अब जो प्रोसेसेस हैं जो डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है फेल सेफ और क्रिटिकल सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। सारे एम्बेडेड सिस्टम्स सेफ्टी क्रिटिकल नहीं होते लेकिन सारे सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर एम्बेडेड सिस्टम लाजमी होते हैं और ख़ास तौर पे इन दिस 21st century जिसमें आप जितने भी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम देखेंगे तो उसमें कोई भी सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड नहीं होता या सिर्फ मैकेनिकल लिंकेजेस पे बेस्ड नहीं होता, उसमें उसके साथ साथ एक प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, एक एम्बेडेड सिस्टम भी होता है जो कि जिसका मकसद ये होता है कि वो कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस करके और एक ख़ास टाइम के अंदर अंदर एक डिसीजन ले लें। तो अब यहाँ पे जब आप सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम डिज़ाइन करने बैठते हैं, डेवलप करने बैठते हैं, जब आपके पास एक प्रोजेक्ट है तो आप हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखें कि आपका सिस्टम जो है वो फेल बाय नेचर वो फेल हो सकता है। तो यू नीड टू अज्यूम फैलिबिलिटी, यानी फैलिबिलिटी के अंदर हम ज़्यादातर एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर सॉफ्टवेयर जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है और आपने अज्यूम करनी है कि आपका जो हार्डवेयर है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं वो फेल हो सकता है, जो सेंसर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी फेल हो सकते हैं, जो प्रोग्रामर और डेवलपर जो डेवलप कर रहे हैं उसकी पुअर प्रैक्टिस भी सिस्टम को फेल कर सकती है और आप खुद अपने सिस्टम को फेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये पांच चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं टूवर्ड्स डिज़ाइनिंग अ सेफ्टी क्रिटिकल। यानी सबसे पहले अगर आपके इफ़ यू हैव अ टीम विच इज़ डिज़ाइनिंग अ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम फॉर एनी एप्लीकेशन, तो आपने अज्यूम कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें फेल हो सकती हैं। वो किस तरह फेल होती हैं
वो फिर आगे जाके देखेंगे कि उसकी एनालिसिस, उसका उसकी रिपोर्टिंग, उसका प्रोसेस, उसका डिज़ाइन मेथोडोलॉजी क्या होता है। हमेशा याद रखें कि आपका जो सिस्टम जो आप डिज़ाइन करते हैं, वो आप डिज़ाइन करते हैं उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट आपसे नहीं मिलता, जिसको हम कहते हैं इडियट। योर सिस्टम शुड बी एन इडियट प्रूफ गिवन अ सिग्निफिकेंटली टैलेंटेड इडियट। इसकी एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है छोटी सी, कि एक मेडिकल सिस्टम एक हॉस्पिटल में था जिसको डिज़ाइन करना है। उसका काम ये था कि एक स्क्रीन पे एक ह्यूमन बॉडी डिस्प्ले हो जाती थी और डॉक्टर कहता था पेशेंट को कि ये पेन पकड़ें, एक इलेक्ट्रिक पेन होता था, इलेक्ट्रॉनिक पेन, और टच स्क्रीन थी, और उसमें उसका काम ये था कि उसने सिर्फ जो है सर्कल ड्रॉ करना है अपने बॉडी के उस पार्ट पे। तो फिर उस पार्ट पे जब वो सर्कल ड्रॉ करता था तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाती थी, और डॉक्टर फिर मजीद जो आके प्रोसेस करना होता था वो कर लेता था। डॉक्टर ने तो उसको क्लियरली बताया था कि यू नीड टू ड्रॉ सर्कल, आपको सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं और आप तो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग हो सकता है सर्कल ड्रॉ ना करें, हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा टेढ़ा सर्कल ड्रॉ करें, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल ना हो सकता है कुछ लोग सर्कल ड्रॉ ही ना करें, कुछ लोग शेड करें उसको। तो अब आपका पीछे जो सिस्टम है, अगर वो सिर्फ बनाई इसलिए है कि वो सिर्फ सर्कल को डिटेक्ट करे, यानी सर्कल का जो पूरा सर्कमफेरेंस और कंटूर, जब आपस पूरा कंप्लीट हो जाता है उस कंटूर के अंदर जितना भी एरिया है उसको एक्सट्रैक्ट करें और इमेज से, और फिर उसको प्रोसेस करें, अगर आपने सिस्टम इस तरह बनाया हुआ था तो फिर तो सिस्टम ये फेल हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि आपका सिस्टम जो है वो जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, यू शुड अज्यूम दैट दे आर इडियट्स। वो बेशक एरोस्पेस में हो, मेडिकल में हो, ऑटोमोटिव में हो, एक टेक्नीशियन को अगर ये नहीं पता कि एक ईसीयू को इंजन से निकालना किस तरह है या उसको दोबारा इंस्टॉल किस तरह करना है, तो वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो सिंपल रखेगा कि उसने सिर्फ प्लग आउट करना है, उसको लैब लेकर जाना है, उसको साफ करना है और दोबारा लगा देना है। लेकिन इन ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस साइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं है। ये हो सकता है कि वो निकालते वक्त बहुत तेज़ी से खींच ले तार को और तार टूट जाए, लेकिन आपका एम्बेडेड सिस्टम अगर ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि वो तार टूटी हुई है सेंसर की, एक्चुएटर की, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो, और वो चलना स्टार्ट हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे ये चीज़ें जूम करना लाजमी है, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जिसमें हम फिर प्रोसेसेस को देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें, छोटी सी चीज़ जो होती है एम्बेडेड सिस्टम है वो भी मैटर करती है, और बड़ा सा बड़ा जो एक सिस्टम लेवल फेलियर होता है वो भी मैटर करता है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक सेंसर है और एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। तो दिस इज़ अ पॉप क्विज फॉर यू गाइज, के आपके पास जो सेंसर या ट्रांसड्यूसर है उसकी एक सोर्स इम्पीडेंस है जिसे RS का नाम दिया हुआ मैंने, और आपके पास एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है जिसकी अपनी एक इनपुट इम्पीडेंस है जिसको RD दिया हुआ है। तो अगर मैं RS और RD को इक्वल कर दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एवरीबॉडी इज़ वेलकम, आप अपना माइक ओपन कर लें और ये आंसर दे सकते हैं, ताकि एक क्लियर कंसेंसस आ जाए कि यहाँ पे मतलब एक आपके पास माइंडसेट है इस चीज़ को देखने का। अगर हम RS को बढ़ा देते हैं और RD को कम कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इफ एनीवन कैन आंसर तो दे आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले वो फराब आफताब साहब को सवाल था, तो वो भी मैं फराब आफताब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा सवाल अगर कोई है तो पूछ सकता है। जी, जिसको कोई सवाल है बेशक मुझे बीच में ब्रेक कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं फिर अज्यूम करूंगी किसी को कोई सवाल नहीं है, तो हर किसी को हर चीज़ समझ में आ रही है। मोहम्मद हसन साहब कह रहे हैं हाफ सिग्नल विल बी ट्रांसफर्ड। जी सर, एक काम बेहतर ये है कि मैं चैट्स नहीं देख रहा, वो चैट्स थोड़ा सा वो हो रही है, तो जिसको कोई आंसर है बेशक वो आंसर मैं बता रहा हूँ सर, करें। इट विल, कामरान दानिश साहब कह रहे हैं इट विल क्रिएट अ वोल्टेज डिवाइडर सिचुएशन आई गैस। जी कामरान बिल्कुल दानिश बिल्कुल ठीक हमारे स्टूडेंट हैं, जी जी एलुमनाई हैं कामरान दानिश, वो कह रहे हैं कि इट विल क्रिएट अ वोल्टेज डिवाइडर सिचुएशन। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आई एम श्योर कि हर किसी का यही आंसर होगा।
तो अब ये जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम ये हो सकता है कि आपका, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेंसर की जो रेजोल्यूशन या सेंसर की रेंज है, आपने उसकी डेटा शीट से उसकी रेंज देखी और उस डेटा शीट की मदद से आपने अपना जो बैक एंड सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन कर लिया, उसकी कैलिब्रेशन भी कर ली, उस पर कंट्रोल भी इम्प्लीमेंट कर लिया। आपने ये चीज़ नहीं देखी तो आपके पास जो सेंसर का जो आउटपुट अब आ रहा है वो अब करेक्ट नहीं आ रहा। तो आप जो डिसीजन आप लेंगे इसमें, अगर आपने फेलियर मिटिगेशन कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया हुआ, तो वो जब एरर प्रोपगेट होगा आगे, वो एरर फिर आपके पूरे सिस्टम को फेल कर दे। तो ये बहुत छोटी सी एक फेलियर है, एक हार्डवेयर लेवल फेलियर है, ठीक है। दूसरा मसला इस सर्किट में ये आ सकता है, जो कि आप राइट पे देख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं RS को ज़्यादा कर देता हूँ और RD को कम कर देता हूँ, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप जो है ना यहाँ पे कम आएगा, तो वोल्टेज डिवाइडर सिचुएशन आ गई है। लेकिन अगर एक्चुअली एम्बेडेड सिस्टम के अंदर अगर आप किसी एनालॉग सिग्नल को इनपुट ले रहे हैं किसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में, तो उसके हमेशा एक इनपुट कैपेसिटेंस भी होती है। वो इनपुट कैपेसिटेंस क्या इफेक्ट डालती है, लेट से कि आपके पास एक ही ADC है और आपके पास एक मल्टीप्लेक्सर है जो कि इन सारे सेंसर्स के दरमियान स्विच करता है और आपको रीडिंग देता है। और ये नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है ADCs को एम्बेड करना एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और आप मल्टीपल एम्बेड नहीं करते, आप एक सिंगलली एम्बेड करते हैं और एक मल्टीप्लेक्सर लगा देते हैं, और ये मल्टीप्लेक्सर्स नॉर्मली ADC के अंदर बिल्ट इन होते हैं। खैर, ये मल्टीप्लेक्सर स्विच करता है। अब लेट से कि इट्स रीडिंग फ्रॉम सोर्स जीरो यानी सेंसर जीरो, तो अगर इसकी इनपुट इम्पीडेंस सोर्स इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये एक लो पास फिल्टर बन जाता है। तो ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस रेजिस्टर। अगर इस रेजिस्टेंस की कम है तो ये जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो देर लगाएगा। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज हो रहा है अभी और ये स्विच इधर आ गया है, तो अब जो है ना ये कैपेसिटर अब इस रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो अब आपको पीछे जो है इस चैनल पे इस सेंसर की रीडिंग्स भी मिल रही होंगी। और अगर आपके पास यहाँ से देख रहे हैं मैंने 31 सेंसर्स लगाए हैं, तो अब क्रॉस टॉक और गोस्टिंग आ सकती है। लेकिन आप अगर सॉफ्टवेयर पे ही इसको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं और हार्डवेयर पे ये चीज़ नहीं देख रहे, तो दिस कुड कॉज सीरियस फेलियर। तो डिसीजंस मेड फ्रॉम इनकरेक्ट मेजरमेंट्स कैन लीड टू कैटास्ट्रोफी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल एम्बेडेड सिस्टम्स में सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आपके पास जो भी सिस्टम है, आप उसको सबसे पहले आर्किटेक्ट करें, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएं, इनपुट्स क्या हैं उसकी, उसकी आउटपुट्स क्या हैं। डिफाइनिंग एंड कैप्चरिंग द डिज़ाइन ऑफ द सिस्टम, यानी कोई भी एम्बेडेड सिस्टम आपके पास आता है तो वो लाजमी बात है कि वो एक बड़े फिजिकल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो उस फिजिकल प्रोसेस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, आपके साथ डोमेन एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए, और आप मिल के बैठ के एक पहले सिस्टम का डिज़ाइन कैप्चर करें यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है। आपने देखनी होती है कॉस्ट लिमिटेशंस के, कहीं वो एम्बेडेड सिस्टम ओवरकिल तो नहीं है, बहुत महंगा सिस्टम तो नहीं लगा दिया है। और महंगा सिस्टम से मुराद ये है कि आपका अगर जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी प्रोसेसिंग की कम है, लेकिन आपने जो सिस्टम लगाया है इटसेल्फ उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इवेंचुअली जो फाइनल सिस्टम की कॉस्ट होगी वो स्काई रॉकेट हो जाएगी। फिर आपने देखनी है सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी अपने एम्बेडेड सिस्टम की, क्योंकि उस एम्बेडेड सिस्टम ने आपके फिजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करना है। आपने काम करना है एलिमेंटल फंक्शनैलिटी के कन्फाइनमेंट के अंदर रहते हुए, यानी आपके पास लिमिटेड पावर है, प्रोसेसिंग पावर है, लिमिटेड मेमोरी है, लिमिटेड बैटरी लाइफ है, लिमिटेड साइज है, ठीक है। इसी के अंदर रहते हुए आपने अपना फंक्शन पूरा करना है। मार्केटेबिलिटी है कि आप कितनी जल्दी डेवलप करके कितनी जल्दी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर आते हैं। और फिर आपने देखनी है कि आपके सिस्टम के अंदर डिटर्मिनिस्टिक रिक्वायरमेंट्स कितनी है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसा पार्ट है जिसको टाइम के अंदर प्रोसेस होना है, और टाइम ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद। और टाइम से पहले अगर हो जाए तब भी फेलियर है,
और टाइम के बाद अगर लेट हो तब भी फेलियर है, तो ये इसे कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक रिक्वायरमेंट्स एम्बेडेड सिस्टम की। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको ये आपने सामने रखनी है, और इन इन इनको सामने रखते हुए आपने जंप करना है फिर टूवर्ड्स डिज़ाइन डिवेलप टेस्ट एंड डिप्लॉय। तो फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एंड कोडिंग सेफ्टी क्रिटिकल एम्बेडेड सिस्टम में सबसे पहले तो आपने एक डिज़ाइन प्रोसेस को फॉलो करना है, एक मॉडल फॉलो करना है कि ये खाली एम्बेडेड सिस्टम्स में नहीं होता, ये हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। और उस प्रोसेस को फॉलो करने का जो फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये होता है, उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये, आपका डिज़ाइन बेहतर होता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी होती है, आप फेलियर से बच जाते हैं, और आपको पता होता है कि अगर फेलियर है तो कौन सी चीज़ किधर है और उसको मुझे मिटिगेट किस तरह करनी है। प्रोसेस के बाद फिर आपने आर्किटेक्चर बनाना है सिस्टम का पूरा। आर्किटेक्चर बनाने के बाद फिर फेल सेफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को इनकॉर्पोरेट करना है। फिर आपने रिडंडेंसी देखनी है कि अगर मेरा एक सिस्टम फेल होता है तो उसको टेक ओवर कर जाए दूसरा सिस्टम। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, यानी आपने पूरे सिस्टम बना लिया तो उसको टेस्ट भी करना है, आपने उसको वेरीफाई भी करना है, वैलिडेट भी करना है। तो ये जो पांच चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हम इसको स्टेप बाय स्टेप और इंडिविजुअली इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोसेस को देखेंगे, फिर आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर फेल सेफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, फिर उसके बाद रिडंडेंसी, और फिर टेस्टिंग। द डिज़ाइन प्रोसेस मॉडल, तो इसमें प्रोसेस मॉडल देखेंगे कि एक एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले जो टीम है, उस टीम में आपके पास टीम लीड है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स हैं, सिस्टम आर्किटेक्ट्स हैं, सिस्टम इंजीनियर हैं, डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, और आपके पास एक पूरा कंट्रोल बोर्ड है जिसपे आपके पास स्टेक होल्डर्स है, आपका बॉस है। तो आपने वो सब के साथ मिल के बैठ के एक प्रोसेस को फॉलो करना है। वो प्रोसेस हम लोग इस प्रेजेंटेशन में तीन किस्म के प्रोसेस देखेंगे, लेकिन इसके अलावा भी प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स में जो प्रोसेस है वो हम तीन पे ही लिमिट होते हैं, तो उसको हम आगे जाके देखेंगे कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करें। और प्रोसेस फॉलो करने के बाद फिर हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कि आपका जो सिस्टम है उसको डॉक्यूमेंट किस तरह करना है, उसको अगर आपने अपडेट करना है या रिविजन लेकर आनी है तो किस तरह करनी है, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद फिर हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है वो ओवरऑल सिस्टम की होती है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है आपके एम्बेडेड सिस्टम पे। तो यहाँ पे इन तीन चीज़ों को ज़रा हम देखेंगे डिटेल में। और पहला हम देखते हैं एग्जाम्पल फेजेस में, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो गया, डिज़ाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, वैलिडेशन, डिप्लॉयमेंट। तो प्रोसेस को देखते हैं। प्रोसेस में, प्रोसेस का मतलब ये है कि अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द स्टेप्स टू फॉलो व्हेन डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर। और ये प्रोसेस मॉडल जो है ये नॉर्मली खाली एम्बेडेड सिस्टम तक लिमिटेड नहीं है, ये इंटायरली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है उसमें भी होता है। तो प्रोसेस जो है उसमें आपके पास पहला जो एक मॉडल है उसे कहते हैं वाटरफॉल मॉडल, देन यू हैव अ वी मॉडल एंड अ स्पायरल मॉडल, और फिर एक आखिर में जो सबसे फेमस है उसे कहते हैं एजाइल मॉडल। तो आपने इन चारों में से किसी एक को पिक करना है या इनका कॉम्बिनेशन पिक करना है। पहले देखते हैं हम और जो सबसे आखिर में है ख़ास तौर पे सेफ्टी क्रिटिकल के लिए, वो टेस्ट ड्रिवन मॉडल। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल में आपकी जो मॉडल है वो कुछ इस तरह का दिखता है कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, आप रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद आप डिज़ाइन करते हैं सिस्टम को। सिस्टम डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप पेन और पेपर पे सबसे पहले आर्किटेक्चर डिफाइन करें फ्रॉम हाइएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल, और फिर आप उसको सिमुलेट करें सिस्टम्स को। आप उसकी कॉस्ट देखें कि कौन सा सिस्टम कितनी कॉस्ट में अवेलेबल है और क्या वो आपकी चीज़ों को पूरा कर रहा है या नहीं। इसके बाद फिर डेवलपमेंट है, आप एक्चुअल डेवलपमेंट में आते हैं, कोडिंग, हार्डवेयर डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन। उसके बाद फिर वैलिडेशन है, यानी टेस्टिंग है, और टेस्टिंग के बाद फिर आप एक्चुअल वो सिस्टम पूरा डिप्लॉय कर देते हैं फील्ड में। इस मॉडल के जो एडवांटेजेस हैं,
वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा हैवीली डॉक्यूमेंटेड होता है, एक एक जो आपके पास ब्लॉक है यहाँ पे, फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग टू डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है तो इसमें रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है, इसमें पार्ट्स इंजीनियरिंग है, इसमें स्टेक होल्डर, जो आपका एक तो स्टेक होल्डर आपका बॉस है, फिर स्टेक होल्डर जो एक्चुअल आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट, तो आप बड़ी उसको हैवीली डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर डिज़ाइन को भी आप डॉक्यूमेंट करते हैं, आप सिमुलेशंस हैं आपके पास, आपका एनालिसिस है, रिपोर्ट्स हैं। फिर डेवलपमेंट में कोडिंग है, तो आप जो भी सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं उसका वर्जन सेव करते हैं। फिर वैलिडेशन है, फिर टेस्ट रिजल्ट्स हैं आपके पास, उनको लॉक करते हैं। और फिर जो डिप्लॉयमेंट है, उस डिप्लॉयमेंट में ट्रेनिंग हो गई आपकी, आपके पास ऑपरेटर मैनुअल्स हो गए। तो एडवांटेजेस आर हैवीली डॉक्यूमेंटेड एंड गुड फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। तो रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े जहाज बनाती है, एवियोनिक सिस्टम्स बनाती है, या नेशनल लेवल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या इंडस्ट्री जो कि आपके बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, तो उसके लिए ये मेथड बहुत ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो फंडिंग होती है वो शॉर्ट फंडिंग ही होती है, बहुत लॉन्ग टर्म फंडिंग्स होती हैं, और इनके जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं, बहुत लार्ज स्केल सिस्टम्स होते हैं, और उनका डेवलपमेंट टाइम भी बहुत काफ़ी बड़ा होता है, तो उनके लिए ये वाटरफॉल मेथड काफ़ी बेहतर है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि इन ये इस मेथड में कोई ओवरलैप नहीं है, यानी आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी करने के बाद आप डिज़ाइन पे जाते हैं, और डिज़ाइन के अंदर कोई एरर आता है तो आप दोबारा जो है फिर वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में वापस जाते हैं। जी सर बिल्कुल। सर मुझे जरा 2 सेकंड दें, मैं अपना ये जो हेडफोन है उसको चार्जिंग पे लगा लो, बस 2 सेकंड। ओके सर, नो वरीज। रिसोर्स पर्सन जो है वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, उनका हेडफोन डिस्चार्ज हो गया था तो उसको चार्ज करके दोबारा वो आ रहे हैं। मीनवाइल मिस्टर फराब आफ्ताब, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट अस नो, क्योंकि आपने हाथ रेस किया हुआ है। जी आई एम बैक। अच्छा सर आ जाएं, सर स्टार्ट करें सर प्लीज। जी तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इन स्टेजेस में ओवरलैप नहीं है, यानी अगर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में पूरी करने के बाद, ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, अगर डिज़ाइन में जब आप जाते हैं और यहाँ पे कोई कोई एरर है, कोई कोई डिज़ाइन में एरर है, कोई रिक्वायरमेंट्स में कोई मसला है, तो आपको दोबारा वापस जाना पड़ता है। तो इसमें जो कॉस्ट इंकर होती है पीछे जाने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर डिज़ाइन के अंदर अगर आप हैं और आपने पूरा सिस्टम डिज़ाइन कर लिया है और आप डेवलपमेंट में जाते हैं, और डेवलपमेंट में आपको एक मेजर फॉल्ट नज़र आता है कि ये चीज़ डेवलप इस तरह नहीं हो सकती, उसके लिए हमें डिज़ाइन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो वो जो बैक प्रोपिगेशन है, वो जो बैकवर्ड मूवमेंट है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले सकती है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी आ सकती है इसमें, एंड नो एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी अगर आप रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में हैं तो ये पूरा होने के बाद आपको रिजल्ट इस बैरियर पर मिलेगा, और डिज़ाइन होने के बाद इस बैरियर में मिलेगा, इसके इंटरमीडिएटरी में जो है वो कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप वाटरफॉल मेथड यूज़ करते हैं। दूसरा जो मॉडल है उसे कहते हैं वी मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हम स्टार्ट होते हैं फ्रॉम लेफ्ट, रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस, और इसी तरह फिर हम एनालिसिस, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मॉडल, डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर हम दोबारा ऊपर जाते हैं जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें इसमें फ़ायदा ये है कि जो टाई है हर एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से, यानी अगर लेट्स से अगर आप डिज़ाइन में हैं और डिज़ाइन से आप एक सिस्टम को कोड करते हैं या प्रोटोटाइप करते हैं या इसका मॉडल बनाते हैं, तो आप दोबारा जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे डिज़ाइन को आप टेस्ट करेंगे, डिज़ाइन के बाद फिर आप एक लेवल ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्ट में आप अपना पूरा जो आर्किटेक्चर जो आपने पहले डिफाइन किया था वो टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर
एक्सेप्टेंस टेस्ट में जो एक्चुअल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस हैं वो टेस्ट होती हैं। तो ये जो वी मॉडल है इसमें मल्टीपल लेवल्स भी हो सकते हैं, ये सिर्फ यहाँ पे एज एन एग्जांपल दिखाया हुआ। नॉर्मली इनमें जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आपका जो सबसे बॉटम लेवल है यहाँ तक आते आते आपका सिस्टम इट्सेल्फ इतना ज़्यादा टेस्ट हो चुका होता है कि बहुत कम ऐसा होता है कि आप डेवलपमेंट के दौरान आपको दोबारा पीछे जाना पड़े। आप दोबारा पीछे इस तरह नहीं जाते, आप करते ये हैं कि आप एक चीज़ डिज़ाइन करते हैं, आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, उसको आप हॉरिजॉन्टली जो है वो वैलिडेट करते हैं, फिर आप उसको एक स्टेप ऊपर जाते हैं, फिर आप हॉरिजॉन्टली उसको वैलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे जो टाई है बिटवीन डिज़ाइन एंड टेस्ट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपको ये पता होना लाजमी है कि रिक्वायरमेंट्स आपके पास जो है वो पूरी की पूरी मौजूद हैं, यानी लेट्स से कि अगर आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इस फेज़ में, तो इस फेज से इस फेज में आप उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक ये पूरी नहीं हो गई। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं तो यहाँ पे काम करने का मतलब ये है कि आपके पास डिज़ाइन आर्किटेक्चर और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये सब पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आए। तो जो टाइम इनकर होता है इस स्टेज में वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है आपका। जो तीसरा मेथड है उसे हम कहते हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, और ये दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट, और इसमें रहते हुए हमने काफ़ी सिस्टम्स डिज़ाइन भी किए हैं, डिप्लॉय भी किए हैं। इसमें ये होता है कि आप जो भी चीज़ बनाते हैं उसको उसी वक्त टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं अगर एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है, तो मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं उस सॉफ्टवेयर के पीस को उसी वक्त टेस्ट भी कर लूँ, दो नंबर्स इनपुट देके और आउटपुट देख लो। इसी तरह अगर मैं हार्डवेयर है छोटा सा जो कि किसी सेंसर से इनपुट ले रहा है और मुझे उस सेंसर से इनपुट लेकर सॉफ्टवेयर के अंदर एक एल्गोरिथम टेस्ट करना है, तो मैं ये इस चीज का जी आप सवाल आ गए वापस जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, शायद उनका कोई माइक्रोफोन का इशू चल रहा है। जी हम आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको नोट डाउन कर लें बेशक, तो हम क्यूरीज है वो आगे भी देख सकते हैं। अच्छा, तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में फिर आप जो है वो छोटा सा एक प्रोसेस करते हैं, छोटा सा डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसको उसी वक्त टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें आपको पता चल रहा है कि आपने एक कोड लिखा और उसको आपने टेस्ट किया, उसने अगर वो टेस्ट फेल कर दिया तो आपने दोबारा वो कोड लिखा और दोबारा एक टेस्ट दिया, और फिर आपने वो कोड जो है वो सॉफ्टवेयर का पीस या हार्डवेयर का कोई सेक्शन है उसने अगर वो टेस्ट पास कर दिया तो आप फिर नेक्स्ट फेज में मूव कर जाते हैं। तो ये इसमें फ़ायदा ये है कि हर प्रोसेस, हर मॉड्यूल, बेशक हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर है, वो जब आप इस प्रैक्टिस से उसको डिज़ाइन करते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ जो हमने डिज़ाइन की है ये अपना एक छोटा सा टेस्ट पास करके जा चुकी है, तो आप फिर नेक्स्ट जो फेज़ है उसमें आप फिर हायर लेवल टेस्ट करते हैं। यानी अगर आपने दो सॉफ्टवेयर पीसेस को इंडिविजुअली टेस्ट करके आपने एक बड़ा सॉफ्टवेयर का पीस बनाया और फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर वो एक जो बड़ा पीस है वो एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर सेक्शन का हिस्सा हो सकता है, तो आप फिर उसको उस लेवल पे टेस्ट करते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि शॉर्ट डेवलपमेंट इटरेशंस बेस्ड ऑन प्री रिटन टेस्ट केसेस, यानी जो आप कोड सेक्शन बना रहे हैं, जो आप डेवलप करते हैं उसको, तो डेवलप करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं ये बना रहा हूँ इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, तो आप उसी वक्त उसका टेस्ट केस भी लिख देते हैं, यानी उसका एक छोटा सा सिमुलेटर बना देते हैं, एक 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 टेस्ट बेंच बना देते हैं, हार्डवेयर पे बेशक हो या सॉफ्टवेयर पे बेशक हो। तो इसमें ये कि डिवेलपमेंट टाइम जो है ना वो आपका रिड्यूस हो रहा था थोड़ा सा, और जो टोटल सिस्टम डिवेलपमेंट टाइम है वो भी कम हो रहा था, यानी आपको पता है कि ये सारे टेस्ट पास कर चुका हुआ है, तो अब अगर आप फाइनल इंटीग्रेशन लेवल पे अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं तो उसमें फेलियर के चांसेस जो है ना वो बहुत कम हो गए। तो इस प्रोसेस के अलावा अगर कोई और प्रोसेस अगर आप चूज़ करते हैं तो उसमें इंटीग्रेशन लेवल पे
आपके पास कोई फेलियर आता है तो आपको फिर दोबारा पीछे जाना पड़ता है अपने डेवलपमेंट स्टेज में, उस लो लेवल स्टेज पे, और आपने दोबारा चीज़ों को ठीक करके दोबारा फिर इंटीग्रेशन। तो इसमें उस केस में टाइम बहुत लगता है, और इस केस में टाइम जो है आपका वो थोड़ा कम है। अब यहाँ पे जो कहने का मकसद ये है कि इन तीनों में से ना बहुत ज़्यादा कोई बेहतर है ना बहुत ज़्यादा कोई बुरा प्रोसेस है। मकसद ये है कि आपने प्रोसेस फॉलो करना है। मैं नॉर्मली टेस्ट ड्रिवन और वी को उसका एक कॉम्बिनेशन फॉलो करता हूँ। कभी कभी होता ही है कि अगर बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसमें वाटरफॉल मेथड भी काम करता है। मकसद ये है कि प्रोसेस का होना लाजमी है। चॉइस इतनी बड़ी जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी एग्जिस्टेंस है प्रोसेस की। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ISO 9001 जो सर्टिफिकेशन है, या इसके अलावा और भी बहुत सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको ये नहीं बताता है कि आपने कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना है। वो ये कहता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में एक प्रोसेस की एग्जिस्टेंस हो जिसके अगेंस्ट आपने डॉक्यूमेंटेशन और डिज़ाइन डिवेलप किया हुआ। तो इसमें द पर्पस ये है प्रोसेस को इनकॉर्पोरेट करने का कि आपका सिस्टम प्रूवेबल हो। सिस्टम प्रूवेबल का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम वो काम कर रहा है जो कि उस आप चाह रहे हैं उसे करवाना। लेट्स से कि अगर एक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है जिसका काम ये है कि उसने किसी एक एक्सिस पे जहाज को स्टेबलाइज करना है, तो उसका एंड गोल यही है कि वो जहाज को एक एक्सिस पे स्टेबलाइज करे। लेकिन जहाज को एक एक्सिस पे स्टेबलाइज करना, उसके पीछे जो पूरी इन्वॉल्वमेंट है प्रोसेस की, वो होनी लाजमी है ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि ये सिस्टम वो काम करता है। सिस्टम प्रूवेबिलिटी का दूसरा मतलब ये है कि आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, एक सेफ्टी क्रिटिकल एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन किया है, आप डिज़ाइन करके फौरन उसको डिप्लॉय नहीं करते बगैर टेस्ट किए। चलें बेशक आपने इसके छोटे मोटे टेस्ट रन किए हैं, लेकिन आपके टेस्ट के अंदर अगर वो चीज़ इनकॉर्पोरेट नहीं हुई भी जो कि ये बता सके कि ये सिस्टम जो आपने पूरा बनाया हुआ है इसको एज अ ब्लैक बॉक्स, इसको अगर आप ये इनपुट देते हैं और ये आउटपुट है तो ये सिस्टम फेल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोसेस के अंदर टेस्ट का होना लाजमी है। और टेस्ट में भी खाली सिंपल टेस्ट तो ये है कि आप एक मल्टीमीटर लेकर वोल्टेज मेजर करें, या एक सिंपल टेस्ट ये है कि आप छोटा सा सॉफ्टवेयर सेक्शन बनाया, उसका एक बेंच उसका एक टेस्ट बेंच बनाया। ये तो लो लेवल टेस्ट सेटअप्स हैं। लेकिन जो हाई लेवल टेस्ट सेटअप होता है वो ये होता है कि आपका पूरा सिस्टम है, पूरा डब्बा है जो कि एज इट इज़ आपका लगना है किसी एक जगह पे। तो आपके लैब में, आपके ग्राउंड पे, आपके ऑफिस में, और आपकी आपके पास एक सिस्टम ऐसा मौजूद हो जो कि वो स्टेक होल्डर के सामने प्रूफ कर सके कि ये सिस्टम जहाज़ में या गाड़ी में या हॉस्पिटल के अंदर लगने से पहले इधर सही तरह वेरीफाई भी हो रहा है और वैलिडेट भी हो रहा है, और ये सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स जो है उनको फॉलो भी करता है। अच्छा जी सर, ये नवीद अंसारी साहब है, वेरी सीनियर कैंपेनर, वेरी एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर एंड सीईओ, वो कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो सर नवीद अंसारी साहब प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, कैन यू हियर मी? सर वी कैन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं साहब आप खैरियत से? थैंक यू फॉर प्रेजेंटेशन। जी ये जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस प्रोसेसेस, ये बात तो होगी कि ठीक है आप कोई भी प्रोसेस अडॉप्ट करें, यू हैव टू डॉक्यूमेंट, दैट इज फाइन, वेल अंडरस्टूड। लेकिन ये जो सारे प्रोसेसेस हैं इसका इससे भी ताल्लुक मेरे ख्याल में शायद होगा कि आपकी एप्लीकेशन किस नेचर की है। अगर एप्लीकेशन छोटी सी है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन शायद ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है तो यू विल अडॉप्ट वन प्रोसेस, मगर अगर वो एप्लीकेशन ऐसी है जो कि मे बी डेवलपिंग सिस्टम्स विच आर फॉर बायोमेडिकल एप्लीकेशंस विच आर पर्टेनिंग ह्यूमन हेल्थ, और उसके अंदर आप बिल्कुल फेल सेफ नहीं चाहते तो उसके अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी ज़्यादा चाहिए, हर स्टेप आपने बुक के लेना है, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस इज रिकमेंडेड। सो आई थिंक इट विल डिपेंड अपॉन सेफ्टी एंड एप्लीकेशन एंड दीज फैक्टर्स, जिसकी वजह से सर्टन प्रोसेस को वो कहा जाएगा, एडवोकेट किया जाएगा कि नहीं आप इसमें यही अडॉप्ट करें।
इसके अलावा आपका चॉइस नहीं है, वरना ये चांसेस हैं कि दे विल बी सम कैजुअलिटीज और सीरियस हैजर्ड। तो ये एक मेरे ख्याल में एक चीज है जो कि इस प्रोसेसेस को डिफाइन करेगी कि आप कौन सा अडॉप्ट करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें ये कि एक ऐसा डेवलपर या इंजीनियर जिसको एक्सपीरियंस नहीं है प्रोसेस को अडॉप्ट करने की, तो एटलीस्ट उसको ये पता हो कि प्रोसेसेस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। तो वंस यू हैव अ सिस्टम एंड वंस यू हैव एन एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन की जो नौयत है, उसके एप्लीकेशन का जो पूरा आर्किटेक्चर है, उसको डिज़ाइन करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिस्टम आर्किटेक्ट की या सिस्टम इंजीनियर की। सिस्टम आर्किटेक्ट और सिस्टम इंजीनियर दे आर टिपिकली एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स जिनको पास्ट डेवलपमेंट्स का, पास्ट डिज़ाइन का एक तजुर्बा होता है, और उस तजुर्बे से उनको ये चीज़ बावर हो जाती है कि उन्होंने कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। उसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हर प्रोसेस, हर एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस डिफरेंट होगा, हर एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, इनका इंटीग्रेशन भी हो सकता है, इनका ओवरलैप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरा बताने का मकसद ये है कि वो लोग जिनको प्रोसेस के बारे में नहीं पता, उनको पता हो कि प्रोसेस का होना लाजमी है, प्रोसेस के बगैर जो है वो डिजाइन सक्सेसफुल नहीं होता। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि वुड यू बी रिकमेंडिंग कि हाँ इस किस्म की एप्लीकेशंस के लिए ये ज्यादा प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना चाहिए, इस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए ये ज्यादा सूटेबल है, वुड यू बी रिकमेंडिंग एनीथिंग, या ये उसके एक्सपीरियंस पे छोड़ देंगे हम जो डेवलपर? ये उसके नहीं, ये जो डेवलपर एक्सपीरियंस अगर डिपेंड करता है, जैसे लेट से एक डिजाइनर इंजीनियर इसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप स्टार्ट तो होते हैं हमेशा एक छोटे से, अगर एम्बेडेड प्रोजेक्ट से, वो छोटा सा एम्बेडेड प्रोजेक्ट है वो हमेशा स्टार्ट होता है वाटरफॉल मेथड से। क्योंकि लेट से एक एम्बेडेड प्रोजेक्ट मेरे पास है जिसमें मुझे एक कार पार्किंग सिस्टम है, उस कार पार्किंग सिस्टम में मुझे सिर्फ ये डिटेक्ट करना है कि कितनी गाड़ियाँ एग्जिट की हैं, कितनी गाड़ियाँ एंटर हुई हैं। इसमें फेल सेफ्टी का इतना बड़ा कोई कंसर्न नहीं है, और ना मुझे कोई बहुत ही बड़े प्रोसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। मुझे जो है, मेरे लिए वाटरफॉल मेथड भी काम करेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है ना बड़ी क्लियर है क्लाइंट की तरफ से कि आई नीड अ सिस्टम दैट कैन काउंट कितनी गाड़ियां जा रही हैं, कितनी गाड़ियां अंदर आ रही हैं। तो उसमें मुझे ये पता है कि कौन सा सेंसर्स मुझे चाहिए, कौन सा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट चाहिए मुझे, कौन सा डिस्प्ले चाहिए, तो इसमें तो वाटरफॉल मेथड काम करेगा। लेकिन जब आप जाते हैं ऊपर एक लेवल, आप कहते हैं कि मुझे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है और फुल कस्टम बनाना है, तो उसमें फिर आप वाटरफॉल के साथ साथ वी मॉडल भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको टेस्ट भी करना है। यहाँ पे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में अगर लेट से फायर सप्रेशन सिस्टम है, तो दैट इज अ सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, क्योंकि वो वक्त पे अगर फायर को सप्रेस नहीं करेगा तो कैटास्ट्रोफी हो सकती है। तो उसके बाद फिर आप एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स में जाते हैं और एवियोनिक स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, तो उसमें वी और टेस्ट ड्रिवन मॉडल दोनों अप्लाई होते हैं, और इसके साथ साथ एक और भी अप्लाई होता है, इसे कहते हैं स्पायरल मॉडल। तो अब जब आप इतने बड़े सिस्टम्स होते हैं ना, जिस तरह के एरोस्पेस और स्पेस सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पे आपका कंट्रोल बोर्ड बहुत बड़ा होता है, वो एक नेशनल लेवल प्रोजेक्ट होता है। उस नेशनल लेवल प्रोजेक्ट में आपके पास जो इंजीनियर्स, डिज़ाइनर, डेवलपर्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, तो उनका इनपुट उसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करना होता है। तो और स्टैंडर्ड के साथ साथ आपका टाइम टू मार्केट, क्योंकि प्रोसेस रिफ्लेक्ट करता है टाइम टू मार्केट से। अगर आप वाटरफॉल मेथड ले लेते हैं कि एवियोनिक सिस्टम डेवलप करने के लिए, तो आपका टाइम टू मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो उसमें कोई और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इंकर होगी। उसकी वजह ये है कि स्पेस सिस्टम्स महंगे होते हैं, स्पेस सिस्टम्स की जो सर्टिफिकेशन और क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट होती है, खासतौर पर सेटेलाइट सिस्टम्स में, जिसमें आप ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग पावर का सिस्टम नहीं लगा सकते ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन। अब आपका, आपने सिस्टम लगा के सैटेलाइट पे भेज दिया, फिर वो फेल हुआ, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आप प्रोसेस के अंदर अगर आप ग्राउंड पे एक टेस्टिंग आर्किटेक्चर या एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उस प्रोसेस को फॉलो करें, इसमें टेस्ट जो है वो छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज का है, तो उसमें फिर आप टेस्ट ड्रिवन कर सकते हैं और उसमें आप वी मॉडल कर सकते हैं। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन, और लेकिन ये कि इस मोमेंट पे, इस स्टेज पे प्रोसेस को समझना, ये समझना है कि प्रोसेस का होना लाजमी है, वो इनफ है। लेकिन नेक्स्ट फेज में जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आप फिर
कंसल्ट करें किसी एक्सपीरियंस डिज़ाइनर या डेवलपर से कि इसके लिए प्रोसेस कौन सा इस्तेमाल किया जाए. तो ये फेलियर्स जो हैं ये डिफरेंट आते हैं उसके बाद फिर होता है, लेकिन ये कि आपको फेल होने के बजाय आप अगर ग्लोबली जो फेलियर्स हुए हैं इंजीनियर्स के और टेक्नोलॉजी में उसी को देखें तो उसमें कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स भी हैं, उसमें प्रोसेस मॉडल्स भी हैं, उनको फॉलो करें तो बेहतर होता है. आपके सामने नॉर्मली जो है एक टिपिकली एक सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है, एक उसकी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको पूरा करना होता है, और फिर उसके साथ साथ उसकी टाइम टू मार्केट भी होता है. ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो करें जिसकी सेफ्टी को पूरा करते 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 आपका इतना टाइम लग जाए कि आपका मार्केट में वो प्रोडक्ट ना आए और दूसरी कंपनी ले आए या फिर लाइफ साइकिल ही ख़त्म हो जाए उसका. तो ये चीज़ें देखनी होती हैं. तो उसके बाद ये तो प्रोसेस तो हो गया, प्रोसेस के बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होती है आपका सिस्टम का लो लेवल डेवलपमेंट से लेकर उसके हाई लेवल डेवलपमेंट में. तो इसमें आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके सिस्टम की डेवलपमेंट में, कौन सी फेलियर्स हैं आपके डेवलपमेंट के और कौन सी चेंजेस आप फ्रीक्वेंटली करते हैं. तो ये बड़ा रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रोसेस से, प्रोसेस मॉडल से भी. तो मॉनिटर द स्टेट ऑफ एवरीथिंग इन अ प्रोजेक्ट फ्रॉम सिंपल ब्रेडबोर्ड डिज़ाइन टू हाई लेवल सॉफ्टवेयर और पूरा सिस्टम. इसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है. उसके बाद फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड करनी है कि किस इदारे का, किस ग्रुप का, किस टीम का, किस डेवलपर का क्या काम है, और आपने उसको रिकॉर्ड करना है ताकि कल को कोई फेलियर आता है उसको ट्रेस आराम से किया जा सके. लेट्स से कि अगर मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग है जो कि रन टाइम पे मेरा पूरा सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाता है, ऐसी बात है वो सॉफ्टवेयर रीसेट मुझे नहीं समझ में आएगा, वो सिस्टम इटसेल्फ कहीं लगा हुआ होगा, कहीं मोटर चल रही है, ये सेंसर से इनपुट आ रहा है, तो वो चीज़ मुझे आउटपुट सही नहीं देगी, वो मोटर नहीं चलेगी मेरी, या फिर वो एक्चुएटर मेरा काम नहीं करेगा. तो जब मैं उसको ट्रेस पैक करूँगा तो अगर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकॉर्ड की हुई है सही तरह कि ये एक्चुएटर वाला जो डेवलपर था इसका काम ये था कि उसने एक्चुएटर का पावर ड्राइवर बनाना है, उसके साथ साथ उसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी बनाना है, तो अगर वो डॉक्यूमेंट हुआ हुआ है तो आप ट्रेस कर पाएंगे. तो इस तरह फिर अगर वो चीज़ चेक हो गई है कि सॉफ्टवेयर एक्चुएटर वाले डेवलपर के साथ कोई मसला नहीं था, अब एक्चुअल जो कोर सॉफ्टवेयर वाला बंदा था उस पर आते हैं, उसने फिर देखा कि उसने एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो कि, या एक एक्स्ट्रा लूप बना दिया गलती से जो कि उसमें लूप में फंस गया, लूप बार बार उसी में लूप करी जा रहा और लूप से बाहर नहीं आ रहा. तो ये उस वक्त हो सकता है जब आपके ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको आपने सही रिकॉर्ड किया हुआ है. उसके बाद फिर वर्जन कंट्रोल है. वर्जन कंट्रोल बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और पूरे सिस्टम लेवल की वजह ये कि आप एक सॉफ्टवेयर का कोड या पीस बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने पहली दफ़ा बनाया तो वही वर्जन उसका विदाउट एनी मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट के एंड तक चलेगा. अगर छोटा सिस्टम है तो फिर तो ठीक है. लेट्स से अगर आप एक कार पार्किंग का काउंटर बना रहे हैं तो हो सकता है कि एक एक्सपीरियंस डेवलपर जो है तो पहली दफ़ा अगर कोई सॉफ्टवेयर का कोई पैच लिखे या कोड लिखे तो वो पहली दफ़ा ही सही लिखेगा, लेकिन अगर आपकी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता रहता है, ऑटोमोटिव में जाता है, ये एरोस्पेस ग्रेड का होता है, स्पेस ग्रेड का होता है, या बायोमेडिकल का होता है, तो उसमें आप डिफरेंट वर्जन बनाते हैं अपने उस कोड के, उस सॉफ्टवेयर के, वो बड़ा सॉफ्टवेयर से लेकर छोटे से छोटा जो एक कोड का सेक्शन है उसका भी अपने वर्जन करने हैं उसके. ये पहला वर्जन है, इसमें ये इनपुट देंगे तो ये होगा, दूसरा वर्जन है उसमें ये इनपुट दें तो इसके अंदर आपने एक सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म लगाया हुआ है, तीसरा वर्जन है इसमें सेल्फ चेकिंग के साथ साथ एक फॉल्ट, एक फेल सेफ भी है उसी सॉफ्टवेयर के. तो लेकिन अगर आपने उनको वर्जन को सही तरह डिफाइन नहीं किया हुआ कि वर्जन 1 है, 2 है, 3 है, और उनको कंट्रोल नहीं किया हुआ, तो कल को अगर जब फेलियर आता है डिज़ाइन में या डॉक्यूमेंटेशन में तो आप ट्रेस पैक नहीं कर पाएंगे कि किस वर्जन, ये कब आपने सॉफ्टवेयर बनाया था, कब कोड किया था और कौन सा वर्जन किया था जिसमें ये गलती आई है, इससे पहले क्या हुआ था उसको ज़रा देखें. तो उसमें फिर आपने ये चीज़ देखनी होती. और फिर डिज़ाइन रिपोजिटरी, डिज़ाइन रिपोजिटरी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और हमारे जो मतलब हमारे मुल्क में जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं उनके साथ सबसे बड़ा मसला यही एक्सपीरियंस हुआ है कि उनकी जो स्टोरेज है, उनकी जो रिपोजिटरी है, यानी जहाँ पे वो अपना सारा का सारा डिज़ाइन
प्रोसेस डेवलपमेंट कोड हार्डवेयर फाइल्स वो सेव करते हैं वो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या अगर करती है तो बड़ी हैपेजर्ड वे में, यानी कोई एक फाइल स्ट्रक्चर नहीं है आपका, आप क्योंकि अगर ये फाइल स्ट्रक्चर नहीं होगा ना अगर आपके पास, तो आप अपनी फेलियर को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अभी हम एक्चुअल फेल सेफ और सेफ्टी क्रिटिकल के डिज़ाइन पे नहीं पहुँचे अभी, लेकिन हमारा एम ये है कि हमने डिज़ाइन तो वही चीज़ करनी है, उससे पहले कुछ ये प्रैक्टिसेस हैं जो कि अगर आप शुरू में अडॉप्ट करेंगे तो एक तो आपका टाइम भी कम लगेगा, दूसरा आपका सिस्टम रिलायबल और सेफ जैसे डिज़ाइन करने का जो क्या कहते हैं कॉस्ट है वो भी कम आएगी, और दूसरा ये कि वो हो सकता है कि अगर आप फेलियर टेस्ट कर रहे हैं तो आपके फेलियर टेस्टिंग में आप ये चीज़ अगर आपने अडॉप्ट की हुई है सारे पैरामीटर्स, तो आप हर दूसरे दिन किसी फेलियर पे आके स्टम्बल नहीं रहेंगे, आपका एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस अप्रोच है जिसपे आपने देखा है कि आपने कोड लिखा है उस कोड को आपने उस वक्त टेस्ट भी किया है उसका उसने फिर आपने उसका दूसरा वर्जन भी बनाया है उसमें उसको भी आपने उस वक्त टेस्ट किया है, जब फाइनल इंटीग्रेशन पे जाते हैं फिर उधर कोई मसला आता है तो आप फिर ट्रेस बैक कर जाते हैं, तो इस ट्रेस बैक में भी आपका टाइम कम से कम खर्च होगा। तो वर्जन कंट्रोल में सोर्स कोड कंट्रोल होता है, यानी आपने एक वर्जन निकाला इसमें इस डायग्राम पे इसे कहते हैं ब्रांचिंग, कि आपका एक मेन कोड है ये टॉप लेवल कोड ना हो बेशक, ये आपका डेवलपर है, उस डेवलपर का काम ये है कि उसने एक सेंसर का ड्राइवर बनाना, तो सेंसर का ड्राइवर उसके लिए बनाना मेन चीज़ है, उसने फिर उसका एक वर्जन निकाला जिसमें वो कुछ उसने टेक्निक इस्तेमाल की हुई है, दूसरा वर्जन निकाला फिर तीसरा वर्जन निकाला, तो ये 1.2 1.1 का ही वर्जन है, 2 जो है ना वो इनसे थोड़ा डिफरेंट है, यानी ये मतलब इस डायग्राम से ही आपको पता लग सकता है कि अगर लेट्स से वर्जन 1.1 में सेंसर ड्राइवर में उसने एक टेक्निक इस्तेमाल की हुई है सेंसर कैलिब्रेशन की, 1.2 पे उसने दूसरी टेक्निक इस्तेमाल की हुई सेंसर कैलिब्रेशन की, वर्जन 2 में उसने कैलिब्रेशन की टेक्निक इन दोनों में से कोई एक रखी है लेकिन उसने कोई उस कोड के अंदर कोई मेजर चेंजेस डाली हैं। इसी तरह फिर आप मर्ज करते हैं, यानी जाहिर सी बात है आप ये सारे वर्जन्स तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको इनमें से भी एक इस्तेमाल करना है, तो आप कंसेंसस करते हैं, आप फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर सारे जब मर्ज करते हैं तो ये चीज़ ना ये आपके पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए वर्जन कंट्रोल का, ब्रांचिंग कोड किस तरह करनी है, मर्ज कोड किस तरह करना, मेंटेन कंसिस्टेंट फाइल हायरार्की, उसमें सेंसर ड्राइवर की एक फाइल है, उस सेंसर ड्राइवर की फाइल के नीचे सब डायरेक्टरी में आपने वर्जन 1, वर्जन 1.1, 1.2 या वर्जन 2 और उसके साथ साथ फिर उसकी छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन भी एज अ रीडमी फाइल। अवॉइड पैरेलल डेवलपमेंट्स ऑन सेम कोड मॉड्यूल, ये एक सबसे बड़ी गलती है जिसमें ये कि नॉर्मली अनएक्सपीरियंस जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो करते हैं कि एक ही सॉफ्टवेयर कोड है सेंसर ड्राइवर अगर किसी ने बनाना है किसी एक सेंसर का, तो कोशिश करें कि वो एक डेवलपर या एक डेवलपर की टीम बनाए, एक दो बंदों की या तीन बंदों की, वो पैरेलल में ना करें, पैरेलल में जब आप करते हैं तो उसमें बहुत सारे अनफोर्सीन आपके पास जो है ना वो हैजर्ड्स आते हैं, अनफोर्सीन आपके पास डिफिकल्टीज आती हैं उसको इंटीग्रेट करने में फाइनली। और जैसा कि मैंने पहले कहा डॉक्यूमेंट एंड कोड चेंजेस, छोटा कोड होता है उसके लिए रीडमी फाइल बनती है, और जो बड़ा से बड़ा कोड होता है तो उसके लिए आप एक प्रॉपर रिपोर्ट लिखते हैं। फिर आता है गैदरिंग एंड मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये रिफ्लेक्ट करता है सिस्टम्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एम्बेडेड साइड पर ही देखेंगे, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग का क्या रोल है। तो ये जो हाई लेवल डायग्राम है आपको बता रही है कि व्हाट अ सिस्टम शुड डू, एक स्टेक होल्डर है आपको कहता है कि आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि ये सिस्टम ने करना है, ये इसका इंटेंडेड पर्पस है, तो आपने उस इंटेंडेड पर्पस को पहले पूरा करना है विच इज़ नोन एज अ राइट सोल्यूशन, उसके बाद फिर आपने एड ऑन्स देने हैं विच इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले राइट देना है उसके बाद फिर आप बेस्ट की तरफ जाए, तो ये इसमें सबसे जो पूरी जो ये साइकिल है इसमें आप सबसे देते हैं आइडेंटिफिकेशन के डिटरमिन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर पर्पस, एम्बेडेड सिस्टम का पर्पस क्या है,
उसने करना क्या है, ठीक है, वो बायोमेडिकल वेंटिलेटर है तो उसमें इनपुट्स क्या हैं तो आउटपुट्स क्या होंगे, यूजर इनपुट देता है उसमें प्रेशर की तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, एक एवियोनिक सिस्टम है हेड अप डिस्प्ले का तो उसकी इनपुट्स क्या होती हैं और आउटपुट क्या होती हैं, आपने सॉफ्टवेयर क्यों बनाना है, ठीक है, और तो सॉफ्टवेयर किन किन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं लेकिन ये बहुत हाई लेवल सवाल है कि आपका जो सॉफ्टवेयर का पर्पस है आपके दिमाग में एक बिग पिक्चर होनी चाहिए, पहले आइडेंटिफाई करें पहले उसको, डिटरमिन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गई, CPU पावर हो गई, मेमोरी कितनी चाहिए आपको, पेरिफेरल्स कितने चाहिए, आपने आपको ड्राइवर्स खुद बनाने हैं या आपने ड्राइवर्स कमर्शियली ऑफ द शेल्फ बाय करने हैं या ओपन उठाने हैं, ठीक है, और सेफ्टी, इसके ये कुछ फंक्शनल चीज़ें हैं जो कि एक अनएक्सपीरियंस जो डिज़ाइनर होता है उसके पास तो इन ये नहीं शायद पता होगा उसको कि उसने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है या मेमोरी कितनी चाहिए, ये ज़्यादातर काम होता है डोमेन एक्सपर्ट्स का। डोमेन एक्सपर्ट से मुराद ये है कि अगर लेट्स से कि मेरे पास एक बायोमेडिकल वेंटिलेटर है तो डोमेन एक्सपर्ट इज डॉक्टर, डॉक्टर का काम ये, डॉक्टर ने हमें बताना है कि हम आपको पेशेंट को जो ब्रीदिंग रेट है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 15 ब्रेथ्स पर मिनट है, ये हाई लेवल रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि 15 ब्रेथ्स पर मिनट भी है लेकिन मुझे जो हवा देनी है या ऑक्सीजन देनी है वो रेगुलेटेड हो, इतना फ्लो इतना प्रेशर, उसका मतलब ये है कि एक और इस पर एक चेक आ गया कि आपको एक कंट्रोल इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने फिर ये देखना है कि भाई मुझे उस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा CPU चाहिए, कितनी या क्या वो कंट्रोल इम्प्लीमेंट उस टाइम पे हो पाएगा, वो CPU कर पाएगा, कितनी मेमोरी चाहिए, सेंसर्स के लिए पेरिफेरल्स कितने चाहिए और फिर ड्राइवर्स और फिर उसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद फिर डिटरमिन यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स कि यूज़र किस तरह इंटरेक्ट करता है, यूज़र के टास्क क्या क्या हैं और यूज़र की सेफ्टी, वेंटिलेटर को देखें तो वेंटिलेटर में जो यूज़र है जो थेरेपिस्ट है उसके सामने एक स्क्रीन होती है उसके वो अपने पैरामीटर्स एंटर करते हैं, इसी तरह जो जहाज़ है उसमें पायलट आपका यूज़र है, पायलट के सामने एक पूरा कॉकपिट है, उसमें कंट्रोल्स हैं, उसमें इंडिकेटर्स हैं, उसमें उसमें पैरामीटर्स इनपुट करने होते हैं, कितना स्टोर में वेपन्स रह गए, मुझे किस फ्रिक्वेंसी पर शिफ्ट होके बात करनी है, मुझे अगर अपना फ्यूल टैंक गिराना है कमर्शियल एयरलाइन में देखें तो आपने किस DME पे स्विच होना है, आपने किस हेडिंग पे जाना है, आपने आपके जो पैसेंजर्स हैं उनको आपने कोई अनाउंसिएशन देनी है कि कोई टर्बुलेंस आ गई है, तो ये वो यूज़र जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, तो फिर इंटरेक्ट करने के बाद वो प्रोसेस करता है फिर एक आउटपुट देता है, तो ये आइडेंटिफाई करना है आपने। ज़्यादातर एम्बेडेड सिस्टम में हमेशा एक यूज़र इंटरफेस तो होता ही है, बेशक वो एक स्क्रीन ना हो, कुछ बटन्स ही हों, कुछ नॉब्स हो, लेकिन एक यूजर इंटरफेस होता है कि यूजर किस तरह इंटरेक्ट करे इससे। फिर कंस्ट्रेंट्स हैं आपके पास, इसमें सबसे पहले तो कॉस्ट आ गई कि आपने वो सिस्टम बनाना है या ख़रीदना है। जाहिर सी बात है कि अगर मैं एक रीसेलर हूँ तो मैं कभी भी चीज़ बनाऊँगा नहीं, मैं हमेशा जो है ख़रीद के आगे बेचूँगा। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, जैसे हम लोग डिज़ाइनर्स हैं, सिस्टम डिज़ाइनर्स हैं, तो हमें अपने उस पूरे डिज़ाइन के अंदर ये देखना है कि क्या चीज़ ख़रीदनी है, क्या बनानी है। मैं अगर एम्बेडेड सिस्टम्स की बात करें तो एक एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा, और ना मैंने अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस में कभी ADC खुद बनाया है। मैंने हमेशा ADC एक कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ख़रीदा है और उसमें इंटीग्रेट किया। इसके साथ साथ फिर मैं ये देखता हूँ कि मुझे और क्या चीज़ें खुद बनानी है, खुद ख़रीदनी है। इनोवेशन हमेशा आप खुद करते हैं तो वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ही महदूद रहती है, सॉफ्टवेयर मैंने खुद बनाना है। अब जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपके पास लो लेवल कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर आप खुद बनाएंगे। अगर आपको सिर्फ 4 महीने हैं एक चीज़ बनाने को, तो अगर आपको डिवाइस ड्राइवर बनाने में 2 महीने लग गए तो आपका वो जो पूरा सिस्टम है वो 4 महीने में कभी भी मार्केट नहीं हो पाएगा। के साथ साथ कमर्शियल ऑफ द शेल्फ या कस्टम, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का मतलब ये है कि अगर एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर जो मैं ख़रीदता हूँ दैट इज़ कॉट्स, या अगर मैं कोई एम्बेडेड बोर्ड लेता हूँ दैट इज़ कॉट्स,
लेकिन अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिंजेंट है तो और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी है तो फिर मैं कस्टम डिज़ाइन पर जाता हूँ, मैं कस्टम बोर्ड बनाऊँगा या मैं कस्टम आईसी बना सकता हूँ या फिर मैं एजिक बना सकता हूँ। तो डिपेंड्स ऑन के व्हाट योर टाइमलाइन इज एंड व्हाट योर कॉस्ट इज एंड देन ट्रेड ऑफ, आपने ट्रेड ऑफ करने होते हैं कि कौन सी आर्किटेक्चर फॉलो करना है, कौन सी चीज़ कस्टम बनानी है, कौन सी खरीदनी है, और इनके दरमियान एक बहुत बैलेंस करना होता है। वो बैलेंस जो है वो एक एक्सपीरियंस डेवलपिंग एक्सपीरियंस से आता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स हैं उनसे भी आता है कि एक जो है आपके पास लेट्स से कि एक एम्बेडेड सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए फील्ड में सिर्फ 4 महीने और उस 4 महीने में आपने डेवलप भी करना है, डिज़ाइन भी करना है, डेवलप भी करना है और टेस्ट भी करना है। तो इसमें फिर अगर आप एक एम्बेडेड बोर्ड अगर ख़ुद बनाने बैठ जाएंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइम ले जाए। उसकी वजह ये है कि जो बोर्ड है वो भी जो है जी असल में घर पे हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा शोर है तो उसके लिए थोड़ा माजरत। तो इसमें ये ट्रेड ऑफ करना लाजमी है आपको, आप खुद बोर्ड बना रहे हैं तो खुद बोर्ड बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसकी पीसीबी बनाना, उसमें कितनी लेयर्स है पीसीबी की, फिर अगर आपके पास कोई ऐसी अगर आईसी है जो कि बॉल ग्रिड एरे है तो उसकी उसकी पैकेजिंग करना, उसको स्टफ़ करना, वो काफ़ी क्रिटिकल काम है। तो उसमें अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एक्चुअल सिस्टम डेवलप और इनोवेशन में आपका टाइम कम रह गया, दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। फिर हार्डवेयर इंटरफेस करेक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है, कितने इंटरफेसेस हैं आपके पास, आपके पास कितनी आईओज हैं, सिग्नल कंडीशनिंग क्या चाहिए आपको, और फिर इंटरलॉक्स। इंटरफेसेस में ये है कि अगर छोटा सिस्टम है तो आपको ज़्यादा इंटरफेसेस ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है तो उसमें जो है वो आपको ज़्यादा इंटरफेसेस की ज़रूरत है, फिर उसमें आईओएस की ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह सिग्नल कंडीशनिंग, सेंसर की सिग्नल कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनालॉग सिग्नल है उसकी एम्प्लीफिकेशन चाहिए आपको, उसकी फिल्टरिंग चाहिए, और फिर आपके पास इंटरलॉक्स हैं बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरलॉक्स। तो ये जो रेड में लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली फेल सेफ्टी क्रिटिकल पैरामीटर है, ये फेल सेफ पैरामीटर है। फिर रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी है, इसमें आपने फेल सेफ बनाना है, रिडंडेंसी डालनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आपने अपने सामने रखनी है और फिर ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। आपने फेल सेफ जाहिर सी बात है जब आप करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एडेड सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है आपके उस एम्बेडेड सिस्टम में, तो उसका मतलब ये है कि आपको जो एम्बेडेड सिस्टम चाहिए उसमें इंटरफेसेस भी ज़्यादा होंगे, उसमें सीपीयू पावर भी ज़्यादा चाहिए, उसमें डेवलपमेंट टाइम भी ज़्यादा चाहिए। फिर रिडंडेंसी का मतलब ये है कि डिफरेंट कॉपीज़ ऑफ सेम सॉफ्टवेयर और सेम हार्डवेयर, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक ही एम्बेडेड सिस्टम ने एक एम्बेडेड सिस्टम नहीं है, वो दो हैं, या हो सकता है कि एक ही बोर्ड हो, एक ही सिस्टम हो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के पैचेस की कॉपी है मल्टीपल, तो वो ज़्यादा मेमोरी भी रहेगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर भी रहेगा। तो उसी हिसाब से आपने फिर डिसाइड भी करना है कि मैं रिडंडेंसी कौन सी फॉलो कर रहा हूँ जिसको हम अभी आगे देखेंगे, और फेल सेफ को बनाने का जो मैंने प्रोसेस है वो क्या हमने चूज़ किया। फिर एनालिसिस में सिस्टम फीजिबिलिटी, ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है, टेक्निकल फीजिबिलिटी देखनी है, फेलियर मोड्स, इफेक्ट्स एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है। फिर आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ में आपने सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड रखना है, ठीक है। आपका जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूलर है या मोनोलिथिक है, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज में एग्जाम्पल ये है कि आपका जो कार पार्किंग सिस्टम है दैट इज़ अ सेंट्रल सिस्टम एंड दैट इज़ अ मोनोलिथिक सिस्टम, यानी वो एक डब्बे के अंदर ही बंद है, हो सकता है वो एक ही पीसीबी पे ही सारा काम होता है आपका। लेकिन जब आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और वो मॉड्यूलर होता है, यानी आपका एक जो एवियोनिक सिस्टम है वो अगर फेल होता है तो उसको टेक ओवर करने के लिए वही फंक्शनलिटी दूसरा एक रिडंडेंट सिस्टम होता है, तो इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान आपने बैलेंस करना है अपना आर्किटेक्चर। आपने ये देखना है कि मैंने एक्चुएशन जो है मैकेनिकल करनी है, इलेक्ट्रॉनिक करनी है। तो मैकेनिकल इसका इसी एग्जांपल ये है कि आपका जो एयरक्राफ्ट है पुराने ज़माने के World War I, World War II के, तो उसमें जो एक्चुएशन होती थी जहाज की वो थ्रू मैकेनिकल रॉड होती थी। अब
फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर होता है जो कि आपका फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसिस हैं उनको कंट्रोल करता है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लाई बाय वायर. इसी तरह जो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ जिसमें आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएशन जिसमें अगर आपके पास स्टेबिलिटी कंट्रोल है या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इज कंट्रोल्ड वी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अ ड्राइव बाय वायर सिस्टम. फिर आपने ये भी लाजमी देखना है कि आपका सिस्टम टेस्टेबल है या नहीं. अगर आपका सिस्टम टेस्टेबल नहीं है तो दैट्स फेलियर, यू शुड गो बैक. आपने सिस्टम अपना डिज़ाइन कर लिया, आप लेट्स से इसकी सब छोटी सी एग्जांपल है, आपने एक पीसीबी बनाई है, उस पीसीबी में आपने इनपुट्स दिए हुए हैं जो कि सेंसर से इनपुट आ रहे हैं और आपने आउटपुट दिए हुए हैं जो कि किसी मोटर को जा रहे हैं. अब आपने उस पीसीबी को टेस्ट करना है. उस पीसीबी को किस तरह टेस्ट करेंगे आप कि आपने अगर उस पीसीबी के ऊपर टेस्ट पॉइंट्स नहीं दिए हुए तो वो पीसीबी टेस्टेबल नहीं है. तो नॉर्मली जो एरोस्पेस और मिलिट्री में ख़ासतौर पर आपके पास जो मेंटेनेंस जो सबसे बड़ा जो एक प्रोसेस है, सबसे बड़ा इदारा है, उसमें होता यही है कि जहाज का, कश्ती का, गाड़ी का या किसी सिस्टम का, सिस्टम अगर टेस्ट करना है तो आप उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक टेस्ट सिस्टम में डालते हैं. वो टेस्ट सिस्टम जो है ना वो पूरे कार्ड को टेस्ट करता है. वो पूरे कार्ड को टेस्ट इसलिए उसने किया है क्योंकि वो सिस्टम टेस्टेबल है, उसमें उस सिस्टम में टेस्ट पॉइंट्स हैं. और ये टेस्टेबिलिटी डालना इसलिए लाजमी है कि आपका जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है उसकी एक उसका एक लाइफ साइकिल भी है. उसका उसको आपने जब मार्केट करना है और आपका क्लाइंट जो खरीद लेगा तो आपने उसको मेंटेन भी करना है. तो मेंटेन किस तरह करेंगे जब आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो वो टेस्ट भी हो सके. फिर आपने देखना है कि वो क्या चीज़ मैन्युफैक्चर हो सकती है या नहीं, आपके इन हाउस मैन्युफैक्चर हो सकती है या नहीं, या आपके लोकल शहर में या आपके नेशनल लेवल पे वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो सकती है. फिर आपने इसी तरह बिल्ड वर्सेस बाय का डिसीजन लेना है. और फिर आपने एक फेल सेफ आर्किटेक्चर जो है उसको आपने फॉलो करना. अच्छा, एक क्वेश्चन आया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है तो इसको मैं बाद में आंसर करूँगा. तो अभी हम इस पूरी चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद जो है ये फरा आफ्ताब इनकी तरफ से एक सवाल है. तो इसको सवाल को मैं पढ़ के आखिर में क्यूरीज दे देते हैं, हम पहले अपना जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लेते हैं. अच्छा, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में आपने एनालाइज करना है कि प्रोसेसर कौन सा आपने इस्तेमाल करना है, आपने सिस्टम ऑन चिप इस्तेमाल करना है, सिस्टम ऑन मॉड्यूल इस्तेमाल करना है, आपने डुअल कोर है, सिंगल कोर है, आपने FPGA इस्तेमाल करना है, आपने सिग्नल कंडीशनिंग भी इस्तेमाल करनी है तो फिर उसमें एम्प्लीफिकेशन कौन सी है, उसमें आपने IC बेस्ड करनी है, आपने खुद अपना बोर्ड बनाना है, आपने उसमें ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल डालना है, उसमें फिल्टरिंग किस तरह की करनी है. फिर आपने जब डेवलपमेंट करनी है पूरे सिस्टम की तो टूल कौन सा इस्तेमाल करना है. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट दैट्स ओनली ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन आप जिस प्रोसेसर को कोड कर रहे होते हैं उस लैंग्वेज से तो आपको उसका एक टूल चाहिए होता है. लेट्स से एटमल स्टूडियो है, लेट्स से आपके पास ज़ाइलिंग्स का एक टूल सूट है, आपके पास अगर आप सेफ्टी क्रिटिकल में जाएं और एवियोनिक स्टैंडर्ड में जाएं तो विंड रिवर है, फार लैब्स है, फिर लैब व्यू है, सही है. तो ये सारे टूल्स हैं जो कि आपने डिसाइड करने हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिसाइड होते हैं क्योंकि इन टूल्स के साथ इनकी जो वो है लाइसेंसिंग है वो भी इन्वॉल्व होती है. तो ये चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर होती है कि हम जो एम्बेडेड सिस्टम बनाते हैं उन एम्बेडेड सिस्टम में हम नॉर्मली टारगेट करते हैं ज़ाइलिंक्स को, या हम टारगेट करते हैं सैमसंग को, या हम टारगेट करते हैं एनवीडिया को. उनके टूल्स फिर हम लाइसेंस बाय करते हैं और फिर उन्हीं पे ही हम अपना पूरा सिस्टम बनाते हैं. तो टूल सूट का जो है वो चॉइस और फिर रिडंडेंसी. आपने रिडंडेंसी, जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉनिक रिडंडेंसी भी होगी इसमें, इसमें सॉफ्टवेयर रिडंडेंसी भी होगी फिर से. तो ये इसमें भी ये इसकी आपने एनालिसिस करना. तो ये एनालिसिस जो है ना ये लाजमी है जब आप कोई सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम बना के उसको क्वालिफाई करवाना चाह रहे हैं किसी एक स्टैंडर्ड से, तो उसमें इन एनालिसिस का पूरा रिपोर्ट होना लाजमी है कि आपने वो सिस्टम जब चूज़ किया तो उसका टेस्ट रिजल्ट किस तरह का था. आपने फेल सेफ चूज़ किया तो फेल सेफ का आर्किटेक्चर ये, उसका टेस्ट रिजल्ट ये.
तो रिप्रेजेंटेशन में सिंपल आपका जो पूरा सिस्टम है वो क्या करेगा, लाजमी क्या कर सकता है, मतलब क्या करना चाहिए उसको और क्या वो कर सकता है, यानी इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी करनी है, जो कि राइट सॉल्यूशन है. शुड का मतलब ये कि आपने कंडीशनल रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ पूरी कंडीशन पे है, कि ये यूज़र की कंडीशन पे है कि वो अगर कहे या उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसमें आ सकती है. और फिर कैन का मतलब ये कि ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है. तो ये चीज़ भी क्लियरली आइडेंटिफाई करें. बेशक डिज़ाइन आप एसेंशियल रिक्वायरमेंट पे ही है, लेकिन आइडेंटिफाई आप डॉक्यूमेंट में इसको लाजमी करें कि ये सिस्टम जो है मेरिट सिस्टम या सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, उसमें इन इन चीज़ों की प्रोविजन है. कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब ये है कि आपका जो रिपोर्टिंग है, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो सारे स्टेक होल्डर्स पे. स्टेक होल्डर आपका बॉस, क्लाइंट, डाउन टू द डेवलपर. उसके बाद फिर वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो सबको पता है अक्रॉस द बोर्ड, डेवलपर से लेकर सिस्टम आर्किटेक्ट और सिस्टम इंजीनियर. और आप जब वैलिडेशन में, इसमें मतलब ये कि आप ये चीज़ नहीं बताते कि इम्प्लीमेंट किस तरह होगा, आप सिर्फ ये बताते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हम क्या क्या चीज़ें चूज़ कर रहे हैं और ये और उसकी टेस्टेबिलिटी क्या है, क्या वो चीज़ टेस्टेबल है या नहीं और किस तरह टेस्ट होगी. तो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो आप इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने आ जाती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डोमेन एक्सपर्ट से डेवलपर खुद करता है कि डेवलपर की मर्जी है या उसका एक्सपीरियंस है कि वो एरे को इस्तेमाल करता है या फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इस्तेमाल करता है, वो क्लासेस कितनी बनाता है या फिर वो एक सॉफ्टवेयर को मॉड्यूलर रखना है उसने तो वो कितने सेक्शंस में तोड़ता है उसको. तो ये इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम्स इंजीनियर और सिस्टम आर्किटेक्ट डायरेक्टली नहीं देता बहुत बड़े सिस्टम्स के लिए, लेकिन छोटे सिस्टम्स के लिए ये चीज़ इंटरेस्टेड होती है. इसी तरह फिर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स और सारी जो आपका डिज़ाइन है वो ट्रेसेबल हो, तो उसमें फिर आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और वर्जन कंट्रोल, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एनालिसिस, वो सब इसमें शामिल होती है. तो आपने जो रिक्वायरमेंट्स अपनी रखनी है वो स्मार्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलाइजेबल, ट्रेसेबल. ये खाली इस एम्बेडेड सिस्टम के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ वैलिड है. लेकिन ये कि हम एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी इसको इंक्लूड करना जो है ना वो अब लाजमी है, और ये प्रैक्टिस आई एम्बेडेड सिस्टम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही है, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ बिग प्रोजेक्ट, बिग सिस्टम. तो उसमें फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने जो प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री की वो फिर बॉयल डाउन होगी एम्बेडेड सिस्टम से भी. तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दी हुई रिक्वायरमेंट्स की कि ईजी टू यूज़ एंड सिक्योर, ये These are not good words to use. आपने जो अपना चीज़ों को स्पेसिफाई करना है वो ये है कि एक ऑपरेटर है, अगर वो एक एक्स अमाउंट ऑफ इनपुट देता है तो वो ए बी सी कर सकता है, या फिर एक सिस्टम जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड या इनक्रिप्शन उसमें ये वाली है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी इस तरह होनी चाहिए, तभी मैं उसको ट्रेस कर सकता हूँ. वरना इसको ट्रेस करने का मेरा तरीका नहीं, मैं अगर सिर्फ सिक्योर लिख दूंगा तो आई डोंट नो कि सिक्योरिटी कौन सी है उसमें, कौन सी लेवल ऑफ इंक्रिप्शन है. इजी टू यूज़ है तो किस लेवल का उसमें यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, यानी मेरे सामने चीज़ें जो है ना बड़ी वो हो, एक स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो. ठीक है, तो अब ज़रा एक लेवल नीचे आते हैं, उसमें यहाँ पे सामने आपके जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, तो ये वो रिक्वायरमेंट्स है जो कि एक सेफ, फेल सेफ और सेफ्टी क्रिटिकल में होना लाजमी है. उसके अलावा भी हो सकती है लेकिन ये होना लाजमी है. सो फंक्शनल में कितने आईओज हैं आपकी, कॉन्फ़िगरेशन मेथड्स हैं, यूज़र कमांड्स हैं, एक्सटर्नल इंटरफेसेस के वो आपका एम्बेडेड सिस्टम किसी और एम्बेडेड सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, किसी यूज़र इंटरफेस से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू अ नेटवर्क. एनवायरमेंटल में टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या है, वाइब्रेशन, इनग्रेस प्रोटेक्शन, फॉर्म फैक्टर. तो जाहिर सी बात है आपका एम्बेडेड सिस्टम किसी एक फील्ड में काम कर रहा है, किसी एक सेटिंग में काम कर रहा है, हो सकता है स्पेस सेटिंग हो, एरोस्पेस सेटिंग हो, ठीक है, वो मेडिकल या हॉस्पिटल की सेटिंग हो गई, या फिर वो किसी हार्श डेजर्ट इन्वायरमेंट की हो. परफॉर्मेंस में फिर आपने
देखना है कि डिटर्मिनिज्म, डिले, लेटेंसी, थ्रूपुट और स्टोरेज वॉल्यूम कितना है, फिर रिलायबिलिटी, इसमें अप टाइम कि आपका सिस्टम कितनी देर तक चल रहा है और सही आउटपुट दे रहा है, फिर मेंटेनेंस विंडोज, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम बहुत फ्रीक्वेंटली फेल हो रहा है तो आपके पास मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, मेन टाइम बिटवीन फेलियर MTBF, और फिर फेलियर मोड्स कि आपका सिस्टम फेल को सेंस करके किसी सेफ स्टेट में चले जाए, किसी शट डाउन प्रोसीजर में चले जाए या फिर कोई अलार्म दे दे। सिक्योरिटी सबसे बड़ा फैक्टर है, फिजिकल सिक्योरिटी भी, ऑथेंटिकेशन भी और इंक्रिप्शन भी। सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों जो है ना वो एक ही चीज़ आजकल मानी जाती है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम सेफ नहीं है और वो फेल हो गया तो, या फिर आपका सिस्टम सिक्योर नहीं है और हैक हो गया, तो आपके पूरे ब्रांड और पूरे कंपनी की जो सेफ्टी है उसको टार्निश करता है। नॉन फंक्शनल फिर जो है आपके वो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स कौन से फॉलो किए हुए, डिप्लॉयमेंट एंड अपडेट प्रोसीजर्स, कि आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करना है अगर किसी डिप्लॉयड सिस्टम है वो किस तरह करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग अ सिस्टम आर्किटेक्चर, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हर गुड डिज़ाइन जो है ना वो आर्किटेक्चर से स्टार्ट होता है। इसमें पहले तो ये चीज़ अपने हमें मेक श्योर करनी है कि एम्बेडेड सिस्टम के जेनेरिक मॉडल है वो क्या होता है। तो हम स्टार्ट होते हैं, हमारा सबसे लोएस्ट लेवल जो होता है ना वो हार्डवेयर लेवल का है, उसके ऊपर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें मिडलवेयर है, इसमें डिवाइस ड्राइवर्स हैं, और फिर आपकी एप्लीकेशन है। तो इसको अगर डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में देखें तो आपका जो कीबोर्ड या माउस है दैट इज़ ए हार्डवेयर लेवल, तो वो जाहिर सी बात है आपके उस पर लगता है, USB पोर्ट में लगता है, या अगर आपका कोई मॉडेम है जो कि आपके मदरबोर्ड की किसी PCI स्लॉट पे लगता है तो दैट इज़ अ हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर आपका विंडोज या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारे सॉफ्टवेयर, सिस्टम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर और सारे ड्राइवर्स। आप जब माउस लगाते हैं तो आपका जो माउस का ड्राइवर वो पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है, तो वो जो ड्राइवर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर में आएगा। इसके ऊपर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी उस PC पे बनी हुई जो एप्लीकेशन है वो पावर पॉइंट हो गई, कोई मीडिया प्लेयर हो गया, तो आप फिर सबसे टॉप पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेयर पे जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम पे इसको अगर आप ट्रांसलेट करें ना तो उसकी एग्जांपल इस तरह हो सकती है कि हार्डवेयर में आपके पास सेंसर्स हैं, आपके पास एक्चुएटर्स हैं, हार्डवेयर में आपके पास पावर सर्किट्स हैं, पावर ड्राइवर्स हैं, सिग्नल कंडीशनिंग है, सेंसर इंटरफेसेस हैं, हार्डवेयर में आपके पास FPGA है अगर, या हार्डवेयर में आपके पास सिस्टम ऑन चिप है, प्रोसेसर है, बोर्ड है। उसके बाद फिर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर पे आते हैं, अगर उस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, या अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अगर आप बिल्कुल लो लेवल और बेयर मेटल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने फिर उन सारे डिवाइसेस के, उन सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स के ड्राइवर्स ही बनाने, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर पे। फिर आपने कोई सिस्टम पावर अप होता है तो पावर अप पे वो एक एक सेफ्टी चेक करता है, एक सिस्टम चेक करता है, जिसको आप BIOS भी कह सकते हैं या बूट लोड भी कह सकते हैं, तो वो फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर में। अगर आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस सेक्शन में होगा। फिर एप्लीकेशन लेयर में वो फिर एप्लीकेशन है जो कि एम्बेडेड सिस्टम फॉलो कर रहा है, फ्लाइट कंट्रोल एक एप्लीकेशन है, हेड अप डिस्प्ले एक एप्लीकेशन है, वेंटिलेटर का प्रेशर कंट्रोल और वॉल्यूम कंट्रोल एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी तरह ऑटोमोटिव में आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन है। तो दीज आर द लेयर्स। तो इस हायरार्की को सामने रखते हुए फिर हम अपना एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। तो एवरी एम्बेडेड सिस्टम इज कंपोज ऑफ इंटरेक्टिंग एलिमेंट्स। सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर रहा है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हार्डवेयर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो दो एम्बेडेड सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो आर्किटेक्चर में एक और सबसे बड़ा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ये है कि अगर आप शुरू में आर्किटेक्चर नहीं बनाते और अगर आपकी एक एक्सपीरियंस डेवलपिंग टीम नहीं है, तो
तो आप पे फिर हार्डवेयर आर्किटेक्चर इम्पोज कर दिया जाता है. यानी इम्पोज का मतलब ये है कि इफ़ यू फेल टू डिज़ाइन आर्किटेक्चर देन यू फेल टू डिवेलप अ सिस्टम. और इफ़ यू अगर आप सिस्टम डिवेलप भी कर लेते हैं तो फेलियर इतने आते हैं कि फिर आपके ऊपर एक आर्किटेक्चर फोर्स कर दिया जाता है. यानी आप किसी आप एक ओपन आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे होते हैं. या आप कहते हैं कि चलें ये वाला आर्किटेक्चर, मैंने तो आर्किटेक्चर नहीं बनाया था, तो हम करते ये कि हम ये एक फेमस आर्किटेक्चर है जो कि इस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है. अब वो एप्लीकेशन और सेटिंग के लिए इस्तेमाल हुआ होगा लेकिन वो आपकी सेटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो आपकी एनवायरनमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा. तो आप जब उसको अडेप्ट करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी यूटिलिटी में नहीं होंगी, तो फिर आपका टाइम बहुत लगेगा. टाइम लगेगा तो फिर कॉस्ट भी लगेगी, फिर फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, फेलियर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, इटरेशन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हो सकता है कि आपका वो पूरा एम्बेडेड सिस्टम मार्केट ही ना हो पाए. अच्छा, यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम. थोड़ा सा एक क्यू एंड ए ब्रेक कर लेते हैं जिसमें यहाँ तक अगर कोई सवाल है किसी को तो वो मुझसे पूछ ले. मेरा क्वेश्चन है बट मैं सेक्शन के एंड में करना चाहूंगा क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट्स इंट है तो सेक्शन अगर एंड हो जाए तो एंड में बता दीजिएगा. जी बिल्कुल, बाकी किसी और को अगर कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आइदर टाइप या फिर सेशन के एंड पे हम फिर उसको वोकल हो जाएंगे उसके बारे में. अच्छा, तो यहाँ पे ये कि आर्किटेक्चर को डिफाइन करना हमारे लिए काफ़ी लाजमी है और आर्किटेक्चर डिफाइन करने के ये फ़ायदे हैं और डिफाइन किस तरह करना है उसको हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं. तो हेलो जी सर, आपके सेशन में कितना टाइम बाकी है अभी? सर अभी आई थिंक टाइम है, अभी घंटा तो लगेगा, तो आप बताएं कि इसमें अभी कितना हमारे पास विंडो है. हमने अभी कब स्टार्ट किया? 11:30 को स्टार्ट किया था आई गेस ना, तो 1:30 तक का टाइम है हमारे पास, 2 आवर्स का है ना सेशन सर. चलें चलें, ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं. क्रिएटिव सिस्टम आर्किटेक्चर में हम सिस्टम डायग्राम्स देखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है जिन जो जिनको एक्सपीरियंस नहीं है. जो एक्सपीरियंस है तो वो उनको ये चीज़ पता होगी और कि ये ब्लॉक डायग्राम और सिस्टम आर्किटेक्चर डिफाइन किस तरह होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. तो आर्किटेक्चर के ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास, हमें डायग्राम्स बनानी है. हम हायरार्की बनाते हैं एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन की कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स किस किन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, कौन सा सुपरसीड करता है. सॉफ्टवेयर लेयरिंग व्यू है कि हर सॉफ्टवेयर को अगर लेड अप्रोच में देखेंगे हम तो उसका डेवलपमेंट भी आसान हो जाएगी और उसकी डिज़ाइन भी उसका डिज़ाइन भी आसान होगा. तो सबसे पहले सिस्टम को बनाने के लिए आप पूरे सिस्टम को एज अ ब्लैक बॉक्स फील करें. तो हम लोग अभी इसमें वेंटिलेटर की एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इसको हम थीम बनाना चाह रहे थे COVID-19 और आजकल जो वेंटिलेटर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से. तो उसमें हम इस थीम को देखते हुए हम एक वेंटिलेटर को एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट करते हैं. वेंटिलेटर जो है एक मशीन है जिसको इनपुट यूज़र देता है, एक सेट पॉइंट देता है, एक डिजायर्ड वैल्यू देता है, प्रेशर की, वॉल्यूम की, एक रेस्पिरेटरी की, और कुछ मोड्स देता है कि मैंडेटरी ब्रीदिंग है या असिस्टेड ब्रीदिंग है. वेंटिलेटर का जो आउटपुट है वो कंट्रोल्ड प्रेशर है. प्रेशर किस तरह कंट्रोल करेगा? Using pressure control valves, proportional valves and using feedback sensors. Inhale और exhale valves की controlling है एक बहुत ही strict time manner में. Flow control valve को उसने control करना था कि flow आप control कर, जो flow desired है वो flow मिल जाए. Pressure regulate करे, alarm generates करे और breathing rate को control करे. तो ये एक black box जो है एक view है आपके ventilator का.
और हम अब वेंटिलेटर का सिस्टम आर्किटेक्चर बनाने जाते हैं तो हम सबसे पहले किसी भी सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको एज अ ब्लैक बॉक्स ट्रीट करें। सिस्टम ब्लॉक डायग्राम पे हम जाते हैं तो सिस्टम ब्लॉक डायग्राम में काफ़ी इटरेशन लगती हैं। सिस्टम ब्लॉक डायग्राम जनरली सिस्टम इंजीनियर का काम होता है जिसको उस पूरे सिस्टम का इनपुट्स और आउटपुट्स का एक काफ़ी बेहतरीन नॉलेज है और वो एक काफ़ी डिटेल्ड सिस्टम ब्लॉक डायग्राम बना देता है। तो दिस इज अ सिस्टम ब्लॉक डायग्राम फॉर वेंटिलेटर एंड लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर फ्यू पीपल, लेकिन ये कि इसको अगर गौर से देखें तो ये बड़ी सिंपल सी एक डायग्राम है। वेंटिलेटर में आपके पास एक ब्रीदिंग सिस्टम है, आपके पास एक न्यूमेटिक सब सिस्टम है और आपके पास एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ये जो एरोज जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि कौन सा इनपुट है, कौन सा कंट्रोल सिग्नल है, कौन सा सेंसर का इनपुट है। ब्रीदिंग सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है, और इनको कंट्रोल कर रहा है ये एम्बेडेड सिस्टम। और आपके पास फिर आप यूजर इंटरफेस है जिसमें यूजर इनपुट्स हैं, वेंटिलेटर के पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, अगर इसमें कोई चीज़ आपको वेंटिलेटर की अपनी टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आ रही है तो उसमें कोई इतना ही इशू नहीं है, लेकिन ये कि ये एक हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा है आपका कि ये पूरे सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम जो है आपने किस तरह बनाना है। अब हम यहाँ पे ना सिस्टम को ब्लॉक डायग्राम बनाने के तरीके नहीं देख रहे, हम सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि उसका होना कितना लाजमी है। हर सिस्टम इंजीनियर, हर डिज़ाइनर जो है वो आपको उसका एक डिफरेंट तरीका हो सकता है, डिफरेंट लेआउट हो सकता है उसका सिस्टम डायग्राम बनाने का, लेकिन ये कि उसकी एग्जिस्टेंस का होना लाजमी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर सिस्टम डायग्राम थी, हम उस सिस्टम डायग्राम से जो है एक स्टेप नीचे आते हैं, हम फिर हर सिस्टम को खोल के, हर सिस्टम को उसकी डिटेल में जाके उस डिटेल को फिर हम ड्रॉ करते हैं। लेट्स से ये पूरा जो सिस्टम था हमारा वेंटिलेटर का, इसका एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आपका एक प्रोसेसर है जिसको कोई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और उस प्रोसेसर के साथ, उस बोर्ड के साथ आपने एक फ्लैश मेमोरी लगाई हुई, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं कि जब स्टार्ट हो वेंटिलेटर, पावर ऑन हो, तो वो उन कॉन्फ़िगरेशंस को देख के, रीड करके वो एक वो फिर अपना अपना एक सेफ ऑपरेशन स्टार्ट करें। तो ये एक ये लो लेवल डायग्राम है जिसमें आपने ये बताना है कि फ्लैश जो है वो प्रोसेसर से किस प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेट कर रहा है यूजिंग SPI। इसके बाद फिर ये तो हार्डवेयर ब्लॉक डायग्राम कहते हैं, ये फ्लैश इज अ हार्डवेयर, प्रोसेसर इज अ हार्डवेयर। देन कम्स अ सॉफ्टवेयर ब्लॉक डायग्राम जिसमें आपके पास फ्लैश मेमोरी या प्रोसेसर है और प्रोसेसर के अंदर एक SPI का ड्राइवर है जिसको मैंने प्रोसेसर के अंदर एक डब्बे के तौर पे बना दिया। तो एक हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम से हम आहिस्ता आहिस्ता एक लोएस्ट लेवल ब्लॉक डायग्राम पे आए हैं। तो इन सब की डिटेल डायग्राम होना लाजमी है एक सक्सेसफुल सिस्टम के को डिज़ाइन करने के लिए। तो ये वेंटिलेटर का एक ब्लॉक डायग्राम है, सिस्टम ब्लॉक डायग्राम सॉफ्टवेयर का। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट बॉक्सेस हैं जो कि सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, जो ये सॉफ्टवेयर पीसेज हैं सारे। फिर आपके पास हार्डवेयर इंटरफेसेस हैं। तो अब मेरे लिए या डेवलपर के लिए या एज अ ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए बड़ी आसानी है कि कौन सा पोर्शन पे कौन सा काम हो रहा है। यानी अगर मैं किसी डेवलपर को अगर I2C या SPI का ड्राइवर बनाने को कहता हूँ तो ऑन अ बिगर पिक्चर ही हैज़ लिमिटेड हिमसेल्फ इसी ब्लॉक पे। इसी तरह न्यूमेटिक है, उसने PWM का ड्राइवर बनाना तो वो इसी ब्लॉक डायग्राम पे लिमिटेड है। इस तरह मैं अपना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूँ तो मेरे पास पे वेंटिलेशन मोड्स, ये एक सॉफ्टवेयर पीस है, ठीक है, प्रेशर कंट्रोल है, एक सॉफ्टवेयर पीस है। तो दीज आर ऑल सॉफ्टवेयर कोड मॉड्यूल्स। तो मुझे एज अ सिस्टम इंजीनियर, मुझे एज अ सिस्टम आर्किटेक्ट ये चीज़ ड्रॉ करना और इस चीज़ का पता होना लाजमी है। और ये एक दिन में नहीं आती, ये एक इटरेशन में नहीं आती, ये डिज़ाइन का हिस्सा है। ये आप जब उस प्रोसेस मॉडल जो हमने पहले देखा था उसके अंदर जो डिज़ाइन है उसका ये हिस्सा है। आप डिज़ाइन कर रहे हैं अभी, आप देख रहे हैं कि मुझे उस एम्बेडेड सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए,
और वो मॉड्यूल्स रिफ्लेक्ट करते हैं एक्चुअल सिस्टम के इंप्लीमेंट उसके सिस्टम के आउटपुट पे कि सिस्टम का इंटेंडेड पर्पस क्या है. तो यहाँ से आप काफ़ी पिक्चर जो है ना क्लियर हो जाती है कि मेरे इस एम्बेडेड सिस्टम के प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं. अब नेक्स्ट काम यह है कि मुझे इस ये जो सॉफ्टवेयर कोड्स हैं इनको हायरार्की में तोड़ना है. अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट हुए हैं क्योंकि दिस इज ये पहली इटरेशन है मेरी, इसमें मेरी बिग पिक्चर मिल गई है. लेकिन अब मुझे इसको हायरार्की में तोड़ना है कि लोएस्ट लेवल क्या है और हाईएस्ट लेवल क्या है. तो लोएस्ट और हाईएस्ट लेवल पे हम दोबारा एम्बेडेड मॉडल को देखते हैं. उसमें हमारे पास हार्डवेयर लेयर होती है, हार्डवेयर लेयर के बाद हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर लेयर में डिवाइस ड्राइवर्स हैं, मिडलवेयर है. मिडलवेयर का मतलब सिंपल यही है कि अगर आपका एक सॉफ्टवेयर पीस दूसरे सॉफ्टवेयर पीस से किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, उसमें मल्टी थ्रेडिंग है और थ्रेड को किस तरह मैनेज कर रहा है, तो उस वो इतनी ज़्यादा लोएस्ट डिटेल में नॉर्मली एट अ प्रोटोटाइपिंग स्टेज आप में जाते हैं, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब चीज़ें ये हैंडल कर रहा होता. फिर आपकी सबसे टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है. तो मैंने अपनी पिछली डायग्राम को ज़रा लेयर में तोड़ा है. तो इसमें मेरे पास दीज आर ये माई सेक्शंस. इसमें सबसे जो निचला सेक्शन है इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नोन एज डिवाइस ड्राइवर लेयर. इसमें मेरे पास अगर कुछ सेंसर है जो कि एस पी आई या एस क्यू सी पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो मुझे पहले एस पी आई या एस क्यू सी का ड्राइवर चाहिए. मैं खुद बनाऊँ या मैं उसको मैं कोड रीयूज़ करूँ. पुराना डेवलपर था, पुराना प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने एक एस क्यू सी एस पी आई का जेनेरिक ड्राइवर बनाया हुआ, मैं वो यूज़ करूँ या फिर ओपन इस्तेमाल करूँ. इसी तरह पी डब्ल्यू एम ड्राइवर है, इसी तरह सीरियल ड्राइवर्स हैं, यू आर्ट अगर आपके और कोई एल सी डी ड्राइवर है. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल. उसके बाद फिर इसके ऊपर वाली लेयर जो है वो प्रेशर सेंसर की है. एस पी आई आई स्क्वायर सी ड्राइवर एक जेनेरिक एस पी आई आई स्क्वायर सी ड्राइवर है, जिसपे आप कोई भी एस पी आई आई स्क्वायर सी का सेंसर लगाएं तो ये वाला ड्राइवर काम करेगा. लेकिन अब मैं एक लेवल ऊपर गया हूँ तो अब मैं प्रेशर सेंसर इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि इसको इन्वोक करेगा और फिर मैं अपना डेटा रीड कर सकता हूँ. इसी तरह फ्लो सेंसर है, ठीक है, वो इस आई स्क्वायर सी या एस पी आई ड्राइवर को इन्वोक करेगा और क्या कहते हैं रीडिंग लेगा. टेम्परेचर सेंसर है, तो अगर वो सीरियल है तो वो यू आर ड्राइवर को इन्वोक करेगा और डेटा लेगा. इसमें एक्चुएटर है तो पी डब्ल्यू एम ड्राइवर को इन्वोक करेगा और उससे फंक्शन करेगा. तो ये डिवाइस ड्राइवर लेयर में इससे ऊपर आती है प्लेटफॉर्म लेयर. हार्डवेयर फेल सेफ को मैंने रेड अभी जानबूझ के इसलिए किया हुआ है कि उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये कि ये नॉर्मली लोएस्ट लेवल पे भी होती है और हाईएस्ट लेवल पे भी होती है. प्लेटफॉर्म लेयर पे हम देखते हैं कि हमारे कुछ लो लेवल कंट्रोल एल्गोरिदम्स या लो लेवल सेंसर एस्टिमेशन. पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिदम इज जो है वो हमें लाजमी चाहिए प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए. तो इसे दूसरी जबान पे इनर लूप कंट्रोल भी कहते हैं. इसी तरह सेंसर स्टेट एस्टिमेशन है. आपने वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो वॉल्यूम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते आप, आपको फ्लो से या प्रेशर सेंसर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से या किसी मैथमेटिकल फ्रेमवर्क से आपने उस सेंसर की स्टेट को एस्टिमेट करना है. फिर एरर हैंडलिंग है, तो दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म लेयर. फिर एक लेयर ऊपर जाएंगे, फिर आप इसको कहते हैं हाई लेवल एल्गोरिदम लेयर. वेंटिलेशन मोड, प्रेशर कंट्रोल, दीज आर हाई लेवल एल्गोरिदम्स लेयर. प्रेशर कंट्रोल में आपने एक सेट पॉइंट दिया है जो कि सेट पॉइंट इस पीआईडी कंट्रोल को इन्वोक करेगा, जो कि इन्वोक करेगा प्रेशर सेंसर को भी और एक्चुएटर को भी, और इन दोनों को इन्वोक करने के साथ साथ वो फंक्शन करेगा और आपको आउटपुट देगा यहाँ पे. इसी तरह पैरामीटर कंट्रोल है, ब्रीदिंग रेट आपने कंट्रोल करना है, तो ब्रीदिंग रेट का इनपुट सेंसर स्टेट एस्टिमेशन से भी जाएगा और आउटपुट पीआईडी कंट्रोल. पीआईडी कंट्रोल आपस में भी पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिथम और सेंसर स्टेट एस्टिमेशन ये आपस में भी डेटा शेयर करेंगे, ठीक है. एरर हैंडलिंग भी आपस में डेटा शेयर करेगा. तो लेकिन मकसद अभी ये है कि इतनी लो लेवल पे जाने से पहले आपके पास एक बिग पिक्चर हो कि आपने अपने पूरे उस हायरार्की को, उस सॉफ्टवेयर को लेयर्स में किस तरह तोड़ा हुआ. इसी तरह पे सबसे टॉप वाली लेयर जो है ना यूजर इंटरफेस लेयर है, डेटा डिस्प्ले है, टेलीमेट्री है और यूजर इनपुट है. दिस इज ये एग्जाम्पल जो है ना अभी वेंटिलेटर की है. और छोटे से छोटा प्रोजेक्ट में भी अगर आप फंक्शनिंग कर दें तो आपके लिए बेहतर होता है. आपका जो डेवलपमेंट टाइम है वो रिड्यूस होता है, और फिर आपका डेवलपमेंट टाइम के बाद अगर कोई फेलियर आता है तो उसको ट्रेस करने
ट्रेस बड़ी आसानी से वो हो सकता है अगर आपने ये प्रैक्टिस जो है वो अपनाई हुई है सॉफ्टवेयर को लेयर्स में तोड़ने की। तो अब हमने ये भी देख लिया कि सॉफ्टवेयर को लेयर में किस तरह तोड़ा है, हमने आर्किटेक्चर भी अपना देख लिया कि आर्किटेक्चर की क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें मिशन अश्योरेंस और मिशन क्रिटिकल किधर है, वो किस तरह लेकर आए और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वेंटिलेटर की जो एग्जाम्पल है ना, इसमें हमने आर्किटेक्चर देख लिया, सॉफ्टवेयर भी देख लिया, लेकिन इसमें अब एक बहुत क्रूशल चीज़ देखने वाली है। तो अब भी आपके सामने ना मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक वर्क एग्जाम्पल है, वो प्रेजेंट करूँगा, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सिस्टम सेफ्टी क्रिटिकल क्यों है। तो एक वेंटिलेटर में एक मोड होता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसको आसान अल्फाज में इस तरह कहें कि जो पेशेंट है वो खुद ब्रीदिंग नहीं कर सकता, या तो सेडेटेड है या वो एनेस्थीजिया पे, या इंजरी इतनी ज़्यादा हुई है कि वो उसमें इतनी ताकत नहीं है या इतनी सकत नहीं है कि वो खुद सांस ले सके, ठीक है, वो अपने लंग्स को इन्फ्लेट खुद कर सके और डिफ्लेट खुद कर सके। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूस मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो इसमें जो वेंटिलेटर है वो ऑक्सीजन और एयर वो प्रोवाइड करता है लंग्स को, और उनको इन्फ्लेट करता है और डिफ्लेट भी करता है। इसमें दूसरा जो मोड होता है उसे कहते हैं असिस्टेड मोड। असिस्टेड मोड का मतलब ये है कि जो पेशेंट है, पेशेंट पूरे का पूरा सांस नहीं ले सकता, लेकिन वो सांस लेने की कोशिश की है, आपके वेंटिलेटर ने वो सांस लेने की जो कोशिश थी उसको सेंस किया है, और फिर उसने बाकी की जो सांसें थी, बाकी की जो हवा थी या ऑक्सीजन थी, वो उसने खुद प्रोवाइड की है। इसमें जो यूज़र है यानी जो थेरेपिस्ट है, जो क्लिनिकल ऑपरेटर है, वो सेट करता है प्रेशर, वॉल्यूम, फ्लो और रेस्पिरेटरी रेट। ये कुछ ये वैल्यूज़ होती हैं जो कि स्क्रीन पे या नॉब्स के जरिए जो थेरेपिस्ट है वो सेट कर देता है। वेंटिलेटर का काम ये है कि उन वैल्यूज़ को इनपुट लेकर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। तो अब ये एक डायग्राम है वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास एक वेंटिलेटर है और ये आपका लंग है। वेंटिलेटर जो है वो लंग से इंटरफेस हुआ हुआ होता है यूजिंग अ ट्यूब नोन एज एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ये आपके लंग के अंदर जो ये ट्यूब होती है लंग की, इसके अंदर जाकर ये एयर और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दिस इज नोन एज इन्वेसिव। इसमें आपके पास एक पाइप से हवा आ रही होती है, दूसरे पाइप में इसे कहते हैं इनहेल सेक्शन, दूसरे से आपके हवा जा रही होती है, उसे कहते हैं एक्सहेल। तो आपने ऑक्सीजन देनी है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। तो ये चीज अब हम देखते हैं कि जो इनपुट थे जो क्लिनिकल थेरेपिस्ट ने जो सेट किए हैं वो रेस्पिरेटरी रेट जो है ना 15 ब्रेथ्स पर मिनट सेट किए हैं, फ्लो रेट है 60 लीटर पर मिनट, और प्रेशर जो है ना 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये टिपिकल और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब सांस ले रहा होता है तो 12 to 20 बीट्स पर मिनट होते हैं, उसका फ्लो रेट और प्रेशर इन्हीं वैल्यूज पे ही होता है। तो 15 बीट्स पर ब्रेथ्स पर मिनट का मतलब ये है कि आपने 60 सेकेंड्स में 15 सांसें लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक सांस से दूसरी सांस के दरमियान जो आपके पास टाइम पीरियड है वो 4 सेकंड्स का है। इसमें आप इनहेल करते हैं 3 सेकंड के लिए और एक्सहेल करते हैं 1 सेकंड। ये एक नॉर्मल हर ह्यूमन बीइंग का साइकिल ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड्स चले जाता है कि वो 4 सेकंड्स लेता है इनहेल करने के लिए और 1 सेकंड लेता है एक्सहेल करने के लिए। अब आपने यहाँ पे देखने की ज़रूरत यह है कि ये जो 4 सेकंड्स हैं, इस 4 सेकंड के अंदर आपने इनहेल जो है पेशेंट खुद नहीं कर रहा, वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहा है हवा, वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद वो ऑक्सीजन को कट ऑफ करके फिर एक्सहेल भी खुद प्रोवाइड करता है, यानी एक्सहेल का वॉल्व ओपन करता है और वो जो प्रेशर जो डेवलप हुआ था वो अब रिलीज हो रहा था। तो इसे कहते हैं एक्सहेल। अब ये सारे का सारा काम जो आपने 4 सेकंड में करना है, तो आपने खाली उसको रैंडम एयर नहीं देनी है, आपने उसको कंट्रोल्ड एयर देनी है, आपने प्रेशर कंट्रोल करना है। तो दिस इज अ क्लोज लूप प्रेशर कंट्रोल। फ्लो आपने कंट्रोल करना है, दिस इज अ क्लोज लूप फ्लो कंट्रोल, ठीक है। अब 60 लीटर पर मिनट का फ्लो कंट्रोल करना है आपने, तो आपने आपको फ्लो सेंसर चाहिए, आपको ऑक्सीजन और एयर का मिक्सर चाहिए, और आपको एक प्रोपोर्शनल वॉल्व चाहिए जो कि सेट करे
फ्लो को, और आपको एक एल्गोरिथम चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जो कि इस पूरे को कंट्रोल करे, एक क्लोज लूप क्लोजली जो है ना उसको मॉनिटर करके उसको जो है फीडबैक कंट्रोल के जरिए उसको कंट्रोल करे। क्योंकि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो 60 लीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है कि ये जो लंग्स हैं आपके ये इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएँ कि अंदर जो आपके एवियोलीज होते हैं वो हो सकता है उसमें ट्रॉमा आना शुरू हो जाए और डैमेज हो जाए। प्रेशर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो पैरोड ट्रॉमा इसे कहते हैं जो टर्म है, इसमें जो लंग्स होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाते हैं या इतने ज़्यादा देर के लिए इन्फ्लेटेड रहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं रहती कि वो पेशेंट ट्रॉमा में चले जाता है। फिर वॉल्यूम, अब जाहिर सी बात है आपको वॉल्यूम नहीं मिल रहा डायरेक्टली, आपने वॉल्यूम भी एस्टिमेट करना है फ्रॉम फ्लो रीडिंग्स, तो ये सारे का सारा काम आपने करना है 4 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है, बल्कि 4 सेकंड के अंदर अंदर भी नहीं करना, आपने 4 सेकंड से कम करना है, क्योंकि 4 सेकंड तो उसको चाहिए ब्रीदिंग के लिए, 3 सेकंड चाहिए इनहेल के लिए और 1 सेकंड चाहिए एक्सहेल के लिए, तो आपने ये सब काम बहुत कम टाइम पे करना है। 4 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने दे दी इसको ऑक्सीजन तब भी मसला है, और अगर आपने ज़्यादा देर तक रोक के रखा ऑक्सीजन को तब भी मसला है। तो ये सारा काम हो रहा है आपके इस एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम में जो कि सेंसर से फीडबैक ले रहा है और एक्चुएटर्स को एक्चुएट कर रहा है। नाउ दिस बिकम्स योर रियल टाइम सिस्टम। ये रियल टाइम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 4 सेकंड है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं है, तो जो काम करना है आपने वो इस डेडलाइन के अंदर अंदर ही करना है। अगर आपने वो डेडलाइन के अंदर नहीं किया तो लॉस जो है ना वो लाइफ का लॉस है, वो सिस्टम का लॉस नहीं है, सिस्टम का लॉस सेकेंडरी है, वो लॉस अभी लाइफ का है, तो लाइफ लॉस होगी सिस्टम पे जब आएगा तो दिस कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं एक लॉ सूट पे, हो सकता है आपकी कंपनी बैन हो जाए, आपके केस हो जाए और क्रिमिनल आप पे चार्जेस लग जाएं, लेकिन वो चार्जेस जो हैं उनसे बचने के लिए फिर आपने अपने पूरे सिस्टम को सर्टिफाई करना है, क्वालिफाई कराना है। अगर ये बायोमेडिकल है तो यू नीड टू सर्टिफाई इट फ्रॉम FDA, या अगर पाकिस्तान में है तो ड्रग रेगुलेटरी या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। तो ये गाइडलाइंस बनाई इसलिए हैं ताकि ये सिस्टम हॉस्पिटल से लगने से पहले ही टेस्ट हुआ हुआ हो और हॉस्पिटल में जब वो आए तो डेट सिस्टम फेल सेफ, और उसमें फेलियर आने के बाद सिस्टम किस तरह परफॉर्म करता है वो सब चीज़ें उसके अंदर पहले से इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे ना अब ये पूरा सिस्टम आपका रियल टाइम है, तो रियल टाइम सिस्टम को आप किस तरह डिज़ाइन करते हैं, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक टिपिकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन और टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर AVR या Arduino बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर, ये थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट है रियल टाइम का। तो रियल टाइम सिस्टम्स में मेजॉरिटी केसेस में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। तो इसमें अच्छा सबको मेरी आवाज़ आ रही है, आवाज़ तो नहीं कट रही, मुझे लग रहा है मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है। सर हारिस मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ जो है थोड़ी डिस्टर्ब है। जी सर अब आवाज ठीक है जी, काफी आ रही आवाज। जी जी चले, थैंक यू। अच्छा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट हर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम में अब एक स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड जो है वो अगर आपने अपने सिस्टम क्वालिफाई भी कराना है किसी खास स्टैंडर्ड से, कोई एरोस्पेस है, ऑटोमोटिव या मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसमें ये लाजमी है कि आपका सिस्टम के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, या फिर अगर नहीं है तो आप कन्विंसिंग एविडेंस दें कि ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी सिस्टम जो है वो रियल टाइम पे बिहेव करता है। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फेयरनेस पे काम करता है, यानी हर एप्लीकेशन को एक फेयर अमाउंट मिलती है, फेयर टाइम मिलता है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। आपका मीडिया प्लेयर है उसको एक फेयर टाइम मिलेगा, आपका ब्राउजर है उसको फेयर टाइम मिलेगा, ये जो प्रेजेंटेशन चल रही है जो जूम का सेशन है उसको फेयर टाइम मिल रहा है। इसमें कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल नहीं है सिवाय सिस्टम प्रोसेसेस के, ठीक है। सिस्टम प्रोसेस क्या है कि आपका जो अगर लैपटॉप है उसकी बैटरी अगर कम हो गई है तो वो सेफली शट डाउन करना है, तो दैट इज़ सम सिस्टम क्रिटिकल। हो सकता है उसके अंदर कोई रियल टाइम कोई हो, लेकिन उसमें भी ज़्यादातर वो रियल टाइम नहीं कहते उसको,
उसको हम एक सेफ्टी चेक कहते हैं या सिस्टम क्रिटिकल कंपोनेंट कहते हैं। जनरल पर्पस में नॉर्मली होता ही है कि हर एप्लीकेशन को एक फेयर अमाउंट मिल रही होती है, उसमें आपने जो एप्लीकेशंस रन करनी है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो कोई भी एक टास्क जो है ना एग्जीक्यूट करे प्रिसाइज टाइमिंग पे। तो लेट्स से कि यू वांट, हम एयरबैग की एग्जांपल लेते हैं। एयरबैग सिस्टम में आपका जो रेडार है उसने ऑब्स्टिकल सेंस किया और उसने ऑब्स्टिकल सेंस करने के साथ एयरबैग को डिप्लॉय करना है। ये एयरबैग का जो डिप्लॉयमेंट है ये एक खास टाइम पे हो जाना चाहिए। उस खास टाइम पे अगर वो एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुआ है तो अगर मेरा सर जाके स्टेयरिंग पे लगा है तो ये मेरा सर स्टेयरिंग पे लगने से पहले पहले ही जो है ना वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड के पीस को उस टाइम पे एग्जीक्यूट कर दे। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो वो डेडलाइन मीट नहीं करेगा तो फिर दैट इज नॉट रियल टाइम। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो किस्म के होते हैं। एक होता है आपका हार्ड रियल टाइम जो कि एब्सोल्युटली गारंटी करता है कि जो आपने टाइम दिया हुआ एक प्रोसेस को वो उसी टाइम पे ही होगा, उसके उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। लेट्स से कि इफ मेरा एक प्रोसेस है जो कि हर एक मिली सेकेंड के बाद मुझे एक आउटपुट दे, मैं 1 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड नहीं जा सकता, 1.5 मिली सेकेंड नहीं जा सकता, मुझे वो काम 1 मिली सेकेंड पे ही चाहिए या उससे कम, मुझे 500 माइक्रो सेकेंड्स में ही चाहिए। तो हार्ड रियल टाइम ये गारंटी करेगा कि आपका वो वाला जो कोड का पीस है वो उसी टाइम पे ही हो। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं सॉफ्ट रियल टाइम जो कि गारंटी करता है कि वो टाइम हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गारंटी करता है, हर बार गारंटी नहीं करता। लेट्स से कि यूजर इंटरफेस है तो यूजर इंटरफेस में जो अलार्म जनरेट करना है वो अपने टाइम पे करना है। आप ये नहीं है कि आपका जो प्रेशर है वो एक्सीड कर गया और आप 10 मिनट के बाद अलार्म जनरेट कर रहे हैं, आपने अलार्म जनरेट करना है अंडर मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है तो, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है। आप माइक्रो सेकंड पे नहीं चाह रहे कि आपको अलार्म जनरेट होता, ठीक है, लेकिन आप ये जरूर चाहेंगे कि उस अलार्म उस लेट्स से अगर प्रेशर एक खास थ्रेशोल्ड को पे बढ़ गया है तो प्रेशर का वॉल्व कट ऑफ कर दे। दैट इज हार्ड रियल टाइम कि वो उस टाइम पे उसका जो वॉल्व है वो पहले कट ऑफ कर दे और उसके बाद यूजर को इनपुट दे दे ताकि यूजर को पता चल जाए कि प्रेशर बढ़ गया है तो अब सिस्टम में कोई फेलियर है तो आप कोई करेक्टिव मेजर ले लें, किसी मेंटेनेंस बंदे को बुला लें या कोई और दूसरी मशीन ले आए या कोई अगर यूजर मैनुअल में कोई ऐसी कोई चीज़ थी उसको देखना है तो वो देखें। तो इसमें फिर हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम में ये चीज़ें। अच्छा, तो आपने अपने कोड के सेक्शन को बाइफरकेट करना है, आपने उसको डिवाइड करना है कि इसमें कौन से मोड सॉफ्टवेयर के पीसीज हैं वो टाइम क्रिटिकल हैं, कौन से नॉन टाइम क्रिटिकल हैं। तो इसमें जो है आपके पास जो ये रेड में दिख रहे हैं ये सारे टाइम क्रिटिकल और हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स हैं। नॉन क्रिटिकल जो है वो डेटा डिस्प्ले है, टेलीमेट्री है और यूजर इनपुट है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं कि रियल टाइम पे कैलकुलेट करने, जैसे लेट्स से कि एल्गोरिथम है आपका पीआईडी एल्गोरिथम है, पीआईडी एल्गोरिथम को सेंसर से सिग्नल चाहिए होता है, लेकिन वो सिग्नल जो है वो एल्गोरिथम तक किस तरह पहुंचता है इसको जरा हाई लेवल पे देखते हैं कि आपका सिग्नल एनालॉग है, इसको सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल कन्वर्ट होना है, फिर उसको सिग्नल कंडीशनिंग होनी है, उसकी एम्पलीफिकेशन होनी है, तो इसमें आपके पास रेजोल्यूशन है, सैम्पल रेट है, अटेन्यूएशन है, फिर वो एडीसी कम्युनिकेट करेगा आपके मेमोरी से या आपके प्रोसेसर से थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ बस, I2C हो गया, SPI हो गया, CAN हो गया। ठीक है, फिर आपकी वो जो वैल्यू है जो मेमोरी में थी वो आपने ट्रांसफर भी करनी है अपने एल्गोरिथम में, आपने एज ए इंटरप्ट लेना है उसको, आपने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना है, आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर इस्तेमाल करना है, तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद फिर आपका वो सेंस वो जो वैल्यू है वो मेजरमेंट है वो एल्गोरिथम में पहुंचती है और उसके बाद फिर निकलती है। तो ये सारे का सारा काम जो है आपने टाइम पे करना है। टाइम पे उस वक्त होता है जब आप इन चीज़ों के साथ साथ इनका जो एग्जीक्यूशन है पूरा वो रियल टाइम में मेक श्योर करें। तो व्हाट इट मींस टू बी फेल सेफ, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी मस्ट बी सीन टू बी प्रेजेंट, यानी आप अज्यूम ना करें कि आपका सिस्टम सेफ है, आप हमेशा ये अज्यूम करें कि आपका सिस्टम फेल फॉलेबल है। ठीक है, और एक दूसरा थर्ड पार्टी बंदा या ऑर्गेनाइजेशन आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट से देख के जज कर ले कि ये सिस्टम की जो सेफ्टी है वो आपने सही तरह डॉक्यूमेंट की हुई है।
जितना ज्यादा रिस्क होता है तो उतनी ज्यादा इंजीनियरिंग प्रैक्टिस और रिगर आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसलिए यही वजह है कि जितने भी ज्यादा सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होते हैं, वो नेशनल लेवल पे होते हैं, एरोस्पेस हो या मेडिकल सिस्टम्स हो, इन सब के स्टैंडर्ड्स PEC या ड्रग रेगुलेटरी जो है वो डिफाइन करती है, ये स्मॉल स्केल कंपनीज डिफाइन नहीं करती या ये स्मॉल स्केल टीम्स डिफाइन नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इंजीनियरिंग प्रोसेस ज्यादा चाहिए, सेफ्टी बिल्ट इन होनी चाहिए, एड इन नहीं होनी चाहिए। यानी आपने पहले एक कोड बनाया जो कि सेफ्टी प्रोसेस नहीं था, लेकिन अब कोड बनाने के बाद फिर आपने उस पर एक सेफ्टी का पैच डाला है। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप ये ना करें, आप अपने कोड को उठा के फेंकें और दोबारा से स्टार्ट करें। पैचेस जो है वो सेफ्टी क्रिटिकल में बिल्कुल भी वो मतलब उनकी उनकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जो कोड स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेफ्टी इनहेरेंट पार्ट होना चाहिए उसका। सिस्टमैटिक एरर्स हो, रैंडम हो, मलिशियस हो, सारे के सारे एरर्स फॉल्ट्स मैटर करते हैं, सारे को सारों को आपने एक ही नज़र से देखना है, ठीक है। सिस्टम हैंगअप हो रहा है वो भी उतने ही जो है सेफ्टी क्रिटिकल होता है, डेंजरस है। इतना एक सिंपल जो है, अगर आपका एक सॉफ्टवेयर जो कि बार बार लूप कर रहा है या एक एक्स्ट्रा लाइन है, एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है जो कि एक्स्ट्रा टाइम ले रही है, तो वो भी सेफ्टी क्रिटिकल में मैटर करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा एरर ट्रांसलेट होता है हैजर्ड में। तो आपने हैजर्ड से बचना है, छोटा एरर हो सकता है प्रोपिगेट करे बड़े एरर पे, वो बड़ा एरर प्रोपिगेट करे उससे बड़े एरर पे, लेकिन वो जब प्रोपिगेट करता है पूरे सिस्टम लेवल पे तो हैजर्ड होता है। हैजर्ड का मतलब ये है कि जानी नुकसान, सिस्टम का नुकसान या इक्विपमेंट का नुकसान, ठीक है। सेफ्टी मस्ट बी आर्ग्यूड, यानी सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने अपने ऑफिस के अंदर टेस्ट कर लिया तो सिस्टम सेफ है। आपने सिस्टम को फील्ड पे लेकर जाना है, आपने थर्ड पार्टी जो है प्रोसेसेस या थर्ड पार्टी इवेलुएटर्स इवेलुएशंस आपने करनी है, फिर जाके सिस्टम फेल होगा। एक एयरक्राफ्ट जो है उसकी जो फेलियर रेट है वो मिलियन फ्लाइट्स के बाद वो जो है वो फेल होता है, क्योंकि उन्होंने जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर वो सारे टेस्टिंग जो हैं वो प्रोसेस वो इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो फेलियर फ्री टेस्टिंग इनफ नहीं है, आप अपना सिस्टम बनाएं, पूरा पूरा डिप्लॉयबल सिस्टम बनाएं, और उस पूरे डिप्लॉयबल सिस्टम को एक डमी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करके उसको ज़रा फेल करवाएं, उसको बिल्डिंग से नीचे फेंकें, उसको उसको ज़्यादा हीट दें, उसमें फॉल्ट इंड्यूस करवाएं, वो वाला सिस्टम जो कि एक्चुअल डिप्लॉय आपने करना है, उसके बाद फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि ये सिस्टम अब सेफ्टी फेल सेफ है। सेफ्टी इज़ अ लाइफ साइकिल का मतलब, इसमें आप जो पूरा जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है फ्रॉम इंसेप्शन टू डिप्लॉयमेंट्स के एक एक डब्बे के अंदर, एक एक प्रोसेस के अंदर आपने सेफ्टी का डालना लाजमी है। हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, प्रोसेस हो, ठीक है, डिवेलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और डॉक्यूमेंटेशन। तो थ्री स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल होते हैं हमारे फेल सेफ के, रीडेबिलिटी, रिडंडेंसी एंड प्रूवेबिलिटी, ठीक है। हम इस क्या कहते हैं सेशन में हम दो को सिर्फ फोकस करेंगे। प्रूवेबिलिटी जो है वो टेस्टिंग में आता है, तो वो हम सब लास्ट में इसको एक इसका हल्का सा ओवरव्यू लेंगे। तो रीडेबिलिटी का मतलब ये है कि आपने आपका जो डिज़ाइन करने का तरीका है वो कैसा है, वो कि कल को कोई फेलियर आता है तो वो ट्रेस बैक हो सके, यानी जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई हो, वो रीडेबल हो, वो आसान अल्फाज में बताई गई हो, वो बेशक कोडिंग का स्टैंडर्ड हो, वो डिज़ाइन पैटर्न हो, वो डॉक्यूमेंटेशन हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक रीडेबल हाईली रीडेबल कोड होता है, क्योंकि आपने अपने सारे जो सॉफ्टवेयर ब्लॉक्स हैं उनको क्लासेस में तोड़ा हुआ है, तो इफ समथिंग फेल्स यू नो विच क्लास टू गो टू और कहाँ पे आपने कौन सी चीज़ सेट करनी है। एक्सटेंसिव कमेंट्स, क्लियर कोड ब्लॉक्स, मॉड्यूलर कोड्स वहाँ पे, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करें, स्टेट मशीन एक रिलीजियसली फॉलो करें अपने एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आपको पता हो कि मेरा ये वाला कोड मॉड्यूल जो है ये एक स्टेट है, और स्टेट के अंदर कौन सी चेंजेस आती हैं कि वो नेक्स्ट स्टेट में शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेट में शिफ्ट होने के बाद जो है आप फिर ट्रेस कर सकते हैं उसको। तो सर हारिस, टाइम हमारे पास कितना है ताकि इसको वाइंड अप करें, क्योंकि अभी सर कंक्लूड कर दें सेशन को, कंक्लूड कर दें प्लीज सर। अच्छा चले, सेशन कंक्लूड करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें थी, इसमें
डिजाइन स्टेट मशीन्स हैं. स्टेट मशीन एक बहुत ही जो है जनरल डिजाइन पैटर्न है, इसमें आपने हर सॉफ्टवेयर को अपने स्टेट्स में तोड़ा हुआ. से इनहेल, अगर हम वेंटिलेटर की बात करें तो इनहेल प्रेशर एक स्टेट है जो कि अगर बढ़ेगा तो वॉल्व ओपन वाली स्टेट में जाएगा, यहाँ से टाइम आउट होगा तो वो क्लोज करेगा और फिर डिफॉल्ट दोबारा एक्सहेल वॉल्व को ओपन कर देगा. तो ईच प्रोसेस प्रोसीजर और टास्क इज अ सेपरेट स्टेट. तो आपके लिए बड़ा आसान है इसको रीड भी करना, इसको डिवेलप भी करना और इसको मेंटेन भी करना है इस कोड को. फिर कम्युनिकेशन है कि आपने डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान कौन सी कम्युनिकेशन की है. ये दीज आर डिफरेंट लूप्स. जाहिर सी बात है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम मोस्टली एग्जीक्यूट करते हैं मल्टी कोर सिस्टम्स पे, तो मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स पे. तो आपका सेंसेस स्टेट एस्टिमेशन एक बहुत बड़ा एक हायर लेवल लूप है जो कि आउटपुट देगा एक पीआईडी कंट्रोल एल्गोरिथम को, लेकिन वो आउटपुट किस कम्युनिकेशन मेथड से दे, फीफोज, क्यूज, सिंपल टैगिंग, सिंपल लोकल वेरिएबल से. ठीक है, तो हर लोकल वेरिएबल में या टैगिंग में नुकसान ये है कि आप डेटा मिस कर सकते हैं. फीफो में फायदा ये है कि आप डेटा मिस नहीं करते. ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फीफो इज रियल टाइम फीफो. तो यहाँ से अगर आपके पास कोई बफर है जो आपने भेजा है तो वो रियल टाइम में यहाँ पे आके टर्मिनेट होगा और आप डेटा रीड कर सकते हैं. सिंक्रोनाइजेशन है कि आपने सेंसस स्टेट एस्टिमेशन जो है और पी आई डी कंट्रोल एल्गोरिथम है, ये अगर फेल होते हैं तो फेल सेफ में चले जाएं. तो फेल सेफ में किस तरह जाएंगे कि फेल सेफ लूप है जो कि सिंक्रोनाइज हुआ हुआ है इन दोनों से, उन दोनों की स्टेट देख रहा है. इसको हम आगे रिडंडेंसी में देखते हैं बड़ा शॉर्टली, तो उसको मैं जरा वो कर रहा हूँ. रिडंडेंसी हमारा ये आखिरी टॉपिक है. इसमें रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड डिपेंडेबिलिटी क्या चीज़ होती है. आपके पास एक प्रोसेस है जिसको आपने इनपुट दिया और उसका रिस्पॉन्स लेट आया, दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, कि वो सिस्टम हमेशा अवेलेबल नहीं है. दूसरी जानब प्रोसेस में इनपुट दिया, रिस्पॉन्स टाइम पे आया लेकिन गलत आया, दिस इज नोन एज रिलायबिलिटी प्रॉब्लम. तो आपने डिपेंडेबिलिटी देखनी होती है और आर्किटेक्चरली बैलेंस करना होता है कि कौन सा प्रोसेस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि वो अवेलेबल रहे, कौन सा प्रोसेस है जिसके रिलायबिलिटी ज़्यादा इशू है. सेंसर का आउटपुट गलत आ जाए तो वो रिलायबिलिटी है, लेकिन पी आई डी कंट्रोल आउटपुट का जो आउटपुट है दैट इज अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम, कि अगर वो टाइम पे आउटपुट नहीं देगा तो हो सकता है कि आपका जो एक्चुएटर है वो टाइम पे जो है वो इन्वोक ना हो या टाइम पे चले ना. ठीक है, वैसे पूरे सिस्टम को फिर वो अफेक्ट करता है. रिडंडेंसी में फिर वी हैव पैटर्न्स, स्टैंड बाय रिडंडेंसी. आपके पास आइडेंटिकल प्रोसेस, एक प्रोसेस है उसका आइडेंटिकल कॉपी है. ठीक है, और वो इन दोनों में स्विच होता है फिर आपके, आप लेट्स से कि कोल्ड स्टैंड बाय में ये होता है कि आपके पास ग्रीन जो है ये लाइव है और ये स्टैंड बाय पे है और ये अभी इन्वोक नहीं हुआ. ठीक है, तो जब इसमें कोई एरर आता है तो ये वाला प्रोसेस स्विच होता है और फिर आपको आउटपुट दे देता है. हॉट स्टैंड बाय में दोनों प्रोसेस जो हैं वो लाइव होते हैं, चल रहे होते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती. इन दोनों को जज करने के लिए कौन सा अगर कौन सा प्रोसेस फेल हो गया किस पे करें, तो उसके लिए हम सेकेंडरी एक थर्ड पार्टी प्रोसेस होता है उसे कहते हैं वॉच डॉग. इस वाले स्टैंड बाय में मसला ये है कि ट्रांसफर बम्पी होता है. यानी अगर लेट्स से कि मैं ये वाला प्रोसेस मेरा फेल होता है और इस वाले प्रोसेस में आता है, तो ये प्रोसेस अभी इनिशलाइज होगा फिर पूरा स्टार्ट होगा. तो ये जब स्टार्ट होकर इधर आएगा तो मेरा जो ट्रांसफर है बम्पी है, हो सकता है कि कोई प्रेशर आउटपुट एकदम से ज़्यादा दे दे. ठीक है, तो ये फेल सेफ में और सेफ्टी क्रिटिकल में ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है. स्टैंड बाय रिडंडेंसी में फिर आप ये देखते हैं कि आपके पास एक वॉच डॉग लूप होता है जो कि सेंसर के दो लूप्स को सिर्फ मॉनिटर कर रहा होता है, और इनमें से कोई एक एरर अगर जनरेट करे तो वो फिर स्विच ओवर कर जाता है. देन वी हैव एन मॉड्यूलर रिडंडेंसी, जिसमें सारे प्रोसेसेस जो हैं वो हाईली सिंक्रोनाइज्ड हुए हुए होते हैं, तो इसमें ट्रांसफर बम्प ही नहीं होता. लेकिन इसमें एक वोटर होता है जो कि ये चेक करता है कि कौन सा प्रोसेस में से कौन सा डेटा जो है वो रिलायबल है और उसको मैं वोट करूँ. वोटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक सिंपल कंपेरेटर से लेकर आप जो है वो मैक्सिमम लाइकलीहुड वोटिंग भी कर सकते हैं. तो इसमें ट्रिपल मॉड्यूलर में फिर आपके पास तीन कॉपीज हैं, तो तीन कॉपीज जो हैं वो तीनों सिंक्रोनाइज हैं, तीनों पैरेलल में चल रही हैं, कंकरेंट चल रही हैं, और फिर वोटर इन तीनों में से कोई एक आगे देता है. तो ये ज़्यादातर रिडंडेंसी आपकी जो इंतहाई सेफ्टी क्रिटिकल होते हैं एरोस्पेस में और मेडिकल में, ये वहाँ पे इस्तेमाल होती है.
ये एक पैटर्न है, ऐसे कहते हैं मॉनिटर एक्चुएटर पैटर्न हिडन। तो उसमें आपके पास इनपुट सोर्स है, आपके पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मॉनिटर कर रहा है एक वॉच डॉग लूप, एक मॉनिटर, और वो मॉनिटर कर रहा है एक्चुएटर को भी कि एक्चुएटर सही चला है या नहीं। ठीक है, अगर वो सही नहीं चला तो डेटा जो इंटेग्रिटी है, वैलिडेशन है, ये उसको इनपुट देगा और आपका एक्चुएशन जो है ना प्रोसेस, ये फिर उस एक्चुएटर को परफॉर्म नहीं करेगा। हो सकता है कि इसकी जगह एक और एक्चुएटर हो, उसको डेटा देते। ठीक है, तो दिस इज अ मॉनिटर एक्चुएटर पैटर्न। इसमें आप एक्चुएटर को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या मेरा एक्चुएटर जो है, जो आउटपुट है, वो इन्वोक हुआ है या नहीं। वॉच डॉग पैटर्न में होता ही है कि आपके पास एक प्रोसेस है, प्रोसेस को एक मॉनिटर कर रहा होता है वॉच डॉग टाइमर, जो कि इसका काम सिर्फ ये होता है कि वो इस लूप से पीरियोडिक मैसेजेस ले रहा होता है। अगर वो मैसेजेस को पीरियोडिक ना मिले तो ये एक इन एक आउटपुट देता है, एक एक इन्वोक करता है एक प्रोसेस को, इस पे एक रिडंडेंट चैनल जो है वो शिफ्ट हो जाए और वो सिलेक्ट हो जाए और उस पे चलना शुरू हो। तो इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी इज अवेलेबिलिटी, इसमें ये कि अगर आपका अप टाइम जो है वो, आपका सिस्टम अगर अवेलेबल है तो उसका अप टाइम ज़्यादा है। तो ये एक छोटी सी टेबल है, इसमें अगर आपका मिशन टाइम 24/7 फॉर वन ईयर है और टोटल डाउन टाइम आप 1.2 मंथ्स का बर्दाश्त कर सकते हैं तो अवेलेबिलिटी आपका 90% है। लेकिन इसी तरह अगर 24/7 फॉर वन ईयर है, जैसे आपके नेटवर्क सिस्टम्स हो गए या इंडस्ट्रियल सिस्टम्स हो गए या आपके एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हो गए, 99.99% उसमें फेलियर चांस है ना, 3.2 सेकंड का डाउन टाइम आप सिर्फ कर सकते हैं। तो ये सारी रिफ्लेक्ट करती हैं कि रिडंडेंसी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है, और आपने जो है वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न किस तरह चूज किए हैं। कुछ फंक्शनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, IEC 61508 जो है वो काफ़ी मशहूर है, जिसको अडेप्ट करता है आपका ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड भी ISO 26262 और एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड DO 178 भी। तो इसमें ये कि जैसे आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमोटिव, इसमें सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल होता है, एक्सपोजर, उसको एक्सपोजर को कंट्रोल करने की कंट्रोलेबिलिटी और सिवेरिटी ऑफ फेलियर, ये आपका पूरा ट्रांसलेट करता है कि आपका सेफ्टी लेवल क्या है। ऑटोमोटिव सेल्फ ड्राइविंग कार जो है ना, वो सेफ्टी लेवल 4 डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं होता और उसका जो फेलियर रेट है उसमें आप नीचे देख रहे हैं कि अगर 100,000 आवर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 0.001। ठीक है, इसी तरह ISO 262 में फ्लाई बाय वायर सिस्टम या ड्राइव बाय वायर सिस्टम, ये सारे के सारे कंट्रोल होते हैं चूंकि मेन एम्बेडेड सिस्टम पे, तो उनको सर्टिफाई होना लाजमी है इस ISO 262 से। तो दीज आर इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है, इनकी अपनी एक जो है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है कि इसमें आपने जैसे DO 178 भी है तो उसमें टेस्टिंग क्राइटेरियाज हैं जो आपको मेंटेन करने हैं, आपको जो आपको वैलिडेट भी करने हैं और डेमोन्स्ट्रेट भी करने हैं डॉक्यूमेंट में। टेस्टिंग में हमेशा जब आप सिस्टम पूरा बना लेते हैं तो आपको टेस्ट करना लाजमी है, जो कि जिसके बगैर आप वैलिडेट नहीं कर सकते। तो पूरे सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर आपके ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन टेस्ट का होना लाजमी है और टेस्ट शुरू से हो। जैसे टेस्ट ड्रिवन अप्रोच में अगर आप टेस्ट शुरू से करते रहेंगे तो फिर आपका आखिर में सिस्टम टेस्टिंग में भी कम टाइम लगेगा और फेलियर जो है उसके आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो नॉर्मली जो टेस्टिंग होता है उसमें हम वी मॉडल चूज करते हैं, मॉडल इन द लूप से लेकर फिजिकल टेस्टिंग। तो इसमें HIL वैलिडेशन है, HIL वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक एक्चुअल प्रोडक्ट है, एक्चुअल कंट्रोलर है जिसको आप सिमुलेट कर रहे हैं यूजिंग हाई फिडेलिटी सिमुलेटर। एक गाड़ी का सिमुलेटर है, घास का सिमुलेटर है, हाई फिडेलिटी रियलिस्टिक सिमुलेटर है और उसको आप सिमुलेट कर रहे हैं। तो इसमें जो हार्डवेयर आपका लूप के अंदर है, दिस इज़ अ जनरल प्रैक्टिस और IEC 61508 के अंदर HIL टेस्टिंग बहुत रिग्रेसली होती है। फिर चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी देखने की ज़रूरत है कि आप जनरल पर्पज़ प्रोसेसर से लेकर एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो परफॉर्मेंस ऑफ पावर जो है वो ASIC की जो है थोड़ी सी मतलब आप उसके लिमिटेड होती है, लेकिन जनरल पर्पज प्रोसेसर की पावर परफॉर्मेंस ऑफ पावर ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जो है आप देखते हैं कि एप्लीकेशन स्पेसिफिक में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपके पास, आपको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जनरल पर्पज प्रोसेसर के अंदर आपने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चेंज करना है, उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप
अब आपने आपने गेज करना है कि आपका आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए. एक आर्किटेक्चर मशहूर है, उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चर. इसमें आपके पास प्रोसेसर भी है, FPGA भी है, सही है. तो ये आपका हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है. तो इसमें आपको हार्डवेयर बेस्ड रियल टाइम आउटपुट मिलता है और आपको रिडंडेंसी मिलती है. इसमें आपको जो रिस्पॉन्स है वो एज स्मॉल एज 25 माइक्रो सेकेंड है, क्योंकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है. दिस इज प्योर हार्डवेयर. तो ये आखिरी इसमें कुछ गाइडलाइंस है. गाइडलाइन ये है कि आपने सबसे पहले तो बैलेंस करना है क्या चीज़ खरीदनी है, क्या चीज़ बनानी है. आपने सिस्टम डिज़ाइन टूल चूज करने हैं जिसमें डीबगिंग की कैपेबिलिटी हो, जिसमें रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी हो सॉफ्टवेयर के लिए और सॉफ्टवेयर की कोडिंग पैटर्न्स को फॉलो करें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें. ठीक है, लिनक्स RT इज ओपन सोर्स, विंड रिवर एंड फायर लैब्स आर क्लोज सोर्स एंड एक्सपेंसिव. इनोवेट करें प्री बिल्ड पैकेजेस से. आप एक एम्बेडेड बोर्ड जो है वो बना बनाया खरीदें और उस पर डिवेलप करके फिर आप जो है वो डिप्लॉयमेंट पे जाएं. आप प्रोटोटाइप स्टेज में बोर्ड ब्रिंग अप पे ना जाएं, आप बोर्ड डेवलप करना स्टार्ट करें और फिर कोशिश करें कि जितना ज़्यादा सिस्टम बड़ा है तो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर रखें. डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो रिडंडेंसी भी होगी इसमें. तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं सेक्शन आज के सेशन को. अगर आपके पास कोई क्यूरीज है, आई नो आखिर में थोड़ा सा तेजी से हो गया ये, लेकिन ये कि अगर कोई क्यूरीज है तो आई एम हैप्पी टू आंसर. प्लीज वन बाय वन अगर कोई क्यूरी है तो या तो चैट बॉक्स पे लिख दें या चैट बॉक्स पे लिख दें या अपना हाथ या हैंड रेज करें तो आपको अनम्यूट करके आपकी क्यूरी डायरेक्टली आपसे ली जाएगी. बेहतर है कि अनम्यूट करके पूछ लें ताकि क्लियरली सबको आवाज भी आ जाए, पता भी चल जाए कि सवाल क्या है उसका जवाब. मैं जी श्योर, मैं ये कह रहा हूँ, एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा सर, काफी और बहुत अच्छा लगा. आवाज आ रही मेरी? आपकी आवाज इंट्रोड्यूस करवा दे सबसे पहले. आपका इंट्रोडक्शन. जी आवाज आ रही है. हाँ, मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है और मैं मास्टर्स कर रहा हूँ सर सैयद से. और मैं एक्चुअली सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा सेशन रहा, फर्स्ट टाइम कोई DHS सुफा का सेशन अटेंड किया और काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई सर आप लोगों के थ्रू माशाल्लाह से. ये कि नेक्स्ट टाइम कभी भी इस तरह सेशन तो प्लीज़ आप बताइएगा, तो मैं कंटिन्यूसली सेशन को देख रहा हूँ मतलब शुरू से ही, काफ़ी मतलब लर्निंग रही है. क्वेश्चन की तरफ आते हैं, असल मेरा सवाल ये है कि इस तरह के हम लोग ना, जिस तरह आपने बताया एम्बेडेड सिस्टम तो काफ़ी अच्छा बताया, हम लोग भी इस तरह के टास्क वगैरह परफॉर्म करते हैं और ऑब्वियसली बहुत जूनियर हूँ मैं तो अभी, तो अक्सर हम ऐसा होता है कि कोई चीज़ बना रहे होते हैं या कोई चीज़ देख रहे होते हैं ना आप, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही होती हैं और ट्राई एंड एरर के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है. तो ऐसी कोई अप्रोच है कि हम लोग, जैसे कि आपने बात की मल्टीप्लेक्सर, किसी भी हम लोग बात करें किसी भी चीज़ की, तो हम लोग ईजिली कैसे उसको जज करें कि हमारा आउटपुट जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है कि ट्राई एंड एरर ये आउटपुट नहीं आ रहा, ये चीज़ चल नहीं रही, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पा रहे, उसके लिए किस तरह की अप्रोच हो, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर स्पेशली, इसमें कुछ गाइड करें आप. जी थैंक यू. अच्छा, ट्रायल एरर जो है ना वो कभी भी अच्छी अप्रोच नहीं होती. ट्रायल एरर में आपका टाइम बहुत लगता है बिकॉज यू डोंट नो इन एडवांस के आपका जो सिस्टम जिसको आप बना रहे हैं उसका आउटपुट क्या होगा. तो बेहतर तरीका यही है जो कि एक जेनरिक तरीका है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है, कि आप जितना ज़्यादा टाइम प्लानिंग पे लगेंगे ना उतना कम टाइम आपका फेलियर पे लगेगा. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्लानिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगा दें कि एक्चुअल डेवलपमेंट पे तक आप पहुँचे नहीं है. एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है और आपके सामने है, तो सबसे पहले तो उस एप्लीकेशन को आप हाई लेवल पे देखें, उसकी इनपुट्स और आउटपुट्स क्या हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ब्रेक करें. ठीक है, ये एक्सपीरियंस से आता है. एक जूनियर लेवल जो डिज़ाइनर होता है या एक अनएक्सपीरियंस या लो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि बस की लेटेंसी क्या देखनी है. नंबर वन, बहुत लो लेवल है, उसको ये नहीं पता होता है कि रजिस्टर एक्सेस, मेमोरी मैप रजिस्टर एक्सेस करना है या फर्स्ट एंड फर्स्ट और बफर इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो इसमें होता ये कि इसमें फिर आप कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं. जैसे मैंने अभी पिछले डिज़ाइन पैटर्न्स को आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है, उनकी अपनी डिटेल ट्रेनिंग एग्जिस्ट करती है. ठीक है, कि कौन से सॉफ्टवेयर के पीस क्रिटिकल होने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर के पीस क्रिटिकल नहीं होने चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर के पीस अगर क्रिटिकल बनाने हैं तो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करानी है. तो हम फिर क्या करते हैं, उनकी फिर सेपरेट ट्रेनिंग कराते हैं. तो आप फिर सबसे पहला तो काम ये होता है कि यू शुड ऑलवेज सीक फॉर नॉलेज, सीक फॉर ट्रेनिंग एंड सीक फॉर अ नॉलेज बेस. ठीक है, आप ये देखें कि
एक अगर आउटपुट आपका ट्रायल एरर से टायर एरर से जो क्या कहते इस प्रैक्टिस से अगर आपको जो है आपका टाइम ज़ाया हो रहा फिर भी आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा तो दैट मीन्स के आपका जो सिस्टम लेवल आर्किटेक्चर है तो सिस्टम लेवल की जो इंसेप्शन है उसमें कोई मसला है उसमें कोई पुअर डिसीजन जो आपने लिया हुआ है ठीक है तो एक मॉडल होता है जिसे कहते हैं स्पायरल मॉडल। स्पायरल मॉडल में ये होता है कि आपके पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आई हैं हाई लेवल ठीक है हाई लेवल रिक्वायरमेंट है वेंटिलेटर है वेंटिलेटर बनाना है वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट्स होती है ठीक है लेकिन उसकी डेवलपमेंट किस तरह स्ट्रेटेजी होगी कि आपका सिस्टम इंजीनियर जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड और क्या कहते हैं डिवेलपर और डिज़ाइनर हो और सिस्टम आर्किटेक्ट तो उसके बाद फिर आप स्पायरल में घूमते हैं आप क्या करते हैं आप एक पेन पे डिज़ाइन करते हैं पेपर पर डिज़ाइन करते हैं फिर आप उसको डिसिमिनेट करते हैं उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं फिर आप ये देखते हैं कि ये जो पी आई डी कंट्रोल एल्गोरिथम अलर्ट्स है ये मुझे चाहिए एट एवरी 100 किलो हर्ट्ज नाउ एट एवरी 100 किलो हर्ट्ज इज़ वेरी ये तो काफ़ी फास्ट रेट है इसके लिए मुझे प्रोसेसर कौन सा चाहिए तो फिर यहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट होता है आपका प्रोसेसर की सिलेक्शन वहाँ से फिर एक्सट्रैक्ट होता है फिर आपका सॉफ्टवेयर तो आप फिर प्लानिंग अच्छी करेंगे तो आप ट्रायल एंड एरर से बच जाएंगे आप करेंगे ये क्या फिर आप ओवरलैप रखेंगे कि आप डिज़ाइन किया पेपर पे उसको वैलिडेट किया डिज़ाइनर से उसको वैलिडेट किया डोमेन एक्सपर्ट से उसको वैलिडेट किया जो है आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड से या सर्टिफिकेशन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड से उसको आप वापस आप आए लेकिन वापस आए आप डिज़ाइन पे ही या पेन एंड पेपर पे ही आप कंप्यूटर पे नहीं गए या आप किसी हार्डवेयर पे नहीं गए तो इससे आपका टाइम बच जाएगा तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशंस बट व्हेन यू आर स्टक तो इसमें हमारी प्रैक्टिस यही होती है कि आप हम लोग यूनिवर्सिटी में भी जो क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं इन ट्रेनिंग्स का मकसद असल में यही है कि जो कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो समझ में आ जाए ताकि डिज़ाइन टाइम बच जाए आपका आपका डेवलपमेंट टाइम बच जाए आपकी जो इनोवेशन है वो नवीद अंसारी को सवाल पूछना चाह रहे हैं सर नवीद अंसारी साहब सीईओ सिस्टेक सर नवीद अंसारी जबरदस्त प्रेजेंटेशन थी लेकिन जो आपके प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक था ना वो था वेबिनार ऑन डिजाइनिंग सेफ्टी क्रिटिकल एम्बेडेड सिस्टम्स तो हम मैं ये समझ के आया था जनरली जो एम्बेडेड सिस्टम है उसकी नॉलेज और इंट्रो तो सबके पास होगी उसके आगे हमें बेसिकली जो सेफ्टी का एलिमेंट है ना वो हम आपकी इसमें वेबिनार में देखेंगे तो हुआ ये कि जो पहला हिस्सा था वो सारा का सारा इंट्रो में चला गया और जो जहां हम सुनना चाह रहे थे वो बड़ा कम टाइम रह गया तो मेरी सजेशन ये है कि इसका शायद पार्ट टू रख लें जिसमें ये जो आपका टॉपिक है ना ये थ्रेड पे डिस्कस हो जाए क्योंकि टाइम की कमी की वजह से बड़ी जल्दी जल्दी वो चीज़ें होंगी एक बात तो ये थी दूसरी ये है कि इसके अंदर जो मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम है ना कि टाइम मैनेजमेंट हाउ डू वी मैनेज इट एज अ प्रोजेक्ट उसमें हमने बात नहीं की वो शायद इसका परव्यू भी नहीं था इस टॉपिक का लेकिन इफ़ यू लाइक टू स्पीक अबाउट इट तो आप देख लें उसको भी कवर कैसे कर सकते हैं कि हाउ डू वी मैनेज द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम बिकॉज टाइम टू मार्केट लाइक यू सेड इज़ वेरी क्रिटिकल जी बिल्कुल थैंक यू आपका इसमें यह है कि शुरू में तो ज़्यादा टाइम इसलिए ले गया था क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो उसमें इनको एम्बेडेड का बैकग्राउंड देना था उस एम्बेडेड के बैकग्राउंड के अंदर ही सेफ्टी को इंक्लूड करना था बजाय से कि वो एक एड ऑन हो तो इसमें इसका पार्ट टू एग्जिस्ट करता है इसका पार्ट टू भी है इसमें हम एम्बेडेड की इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि उसके अंदर जो फेल सेफ और सेफ्टी क्रिटिकल की जो इनकॉर्पोरेशन है और मेथड्स और प्रोसेस है वो इंक्लूड करेंगे तो उसका पार्ट टू भी है इंशाल्लाह उसकी जो वेबिनार फैसिलिटी है वो भी आपको ब्रॉडकास्ट और कन्वे हो जाएगा उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट जो है ना उसका एक स्पेशल टॉपिक है उसको बिल्ड एंड बाय का टॉपिक है तो एम्बेडेड सिस्टम की डेवलपमेंट में चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है कि उसके टाइम टू मार्केट क्या है और कोडिंग स्टैंडर्ड भी मैटर करता है उसके कितनी जल्दी आप मार्केट कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आपने बाय करनी है कौन सी चीज़ खुद बनानी है तो ये सब चीज़ें जो है ना ये टाइम मैनेजमेंट में करती हैं तो इसका भी एक स्पेशल टॉपिक है आज के जो सेशन था ना इसका सिर्फ ये था कि एक हाई लेवल ओवरव्यू दे दिया जाए इसकी जो प्रेजेंटेशन है मैं शेयर भी कर लूँगा आपसे कि सेफ्टी क्रिटिकल को बनाने में कौन कौन से हाई लेवल पैरामीटर्स हैं बहुत सारे लो लेवल पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैंने जानबूझ किसी नहीं बताया क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस वॉन्ट्स टू नो द हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स
लोअर लेवल रिक्वायरमेंट्स पे एक नेक्स्ट सेशन होगा. तो ये एक्चुअली जो ये पूरा सेशन है सीरीज है, ये 3-4 पार्ट सेशन है. इसमें इसके बाद जो सेशन है वो बिल्ड एंड बाय गए, उसके बाद सेफ्टी क्रिटिकल गए, और सबसे आखिरी जो है ना वो एक्चुअल कोडिंग स्टैंडर्ड और डिज़ाइन पैटर्न्स का. तो मैंने ये सारे 3 और 4 सेक्शन में तोड़ा हुआ है इसको. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर सीपीटीज में हम शॉर्ट रखेंगे उसको, और फिर टूल की यूजेस भी, और उसमें ट्रेनिंग जो है टूल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग की, उसको भी हम देखेंगे. तो आपकी जो इनपुट थी वो वैल्यूएबल थी. तो जी 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 मैं ये कह रहा था वेब सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर चॉइस ऑफ ताल्लुक है ना, चॉइस ऑफ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड कोड्स, उसके साथ ये भी है कि उसको मैनेज करने के लिए जो टूल्स हैं पर चार्ट, गैंट चार्ट, क्रिटिकल पाथ, और कहाँ कहाँ ड्रॉबैक्स आ जाए तो किस तरह से हम जो स्लैक टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज कर लें, वो सारी चीजें भी मैटर करती है ना, बिसाइड्स चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी. जी बिल्कुल मैटर करती है. वो फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डोमेन आ जाता है जी. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फिर करना जो है ना, वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होता है ना, वो उसका लेकिन उसको मैं एम्बेडेड सिस्टम की डोमेन के अंदर देख रहा था कि वो कैसे एम्प्लॉय हम करेंगे, क्योंकि जिन्होंने काम किया है उनको भी टाइम टू मार्केट जो है ना वो कमर्शियल सिस्टम के लिए बड़ा अहम है, वरना तो यू गो टू मार्केट. वो जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज्यादातर जो है ना आप किसी इंडस्ट्री के अंदर लेते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली सिर्फ एम्बेडेड सिस्टम के हवाले से वो कैसे यूज किए जाती है या करना चाहिए, वो भी अगर ऑडियंस को पता चले तो उनके लिए बेनिफिशियल. उसमें देखें एक एक कैच फ्रेज है उसे, जो मेरा नेक्स्ट जो एक्टिविटी है बिल्ड एंड बाय की. बिल्ड एंड बाय जो है ना वो उसका असल में मकसद ये है कि जब आप एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है और रिक्वायरमेंट के बाद उसकी डिप्लॉयमेंट है यानी टाइम टू मार्केट है, उसका एक टाइम फ्रेम है. उस टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग है, पार्ट्स इंजीनियरिंग है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, सब कुछ करनी है. उसको साइट पे करने के बाद जो बचता है ना वो बचता है आपका चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आपने कौन सी चीज़ खुद बनानी है, कौन सी चीज़ खरीदनी है. आप सेंसर्स खुद नहीं बना सकते, ज़्यादातर कंपनीज जो सिस्टम लेवल पर काम करती हैं वो सेंसर खुद नहीं बनाती, वो सेंसर खरीदती है, वो एम्बेडेड प्रोसेसर ऐसी बात खुद नहीं बनाती. हो सकता है कि वो कोई बोर्ड खुद बनाए, कोई पीसीबी खुद बनाए, हो सकता है कि अगर उसके पास मास प्रोडक्शन कोई ऑर्डर है तो वो एम्बेडेड बोर्ड भी खुद बनाए, या अगर मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स हैं तो फिर वो आईसी की तरफ जाए. तो इसमें फिर ये कि अगर लेट से आपके पास एक कस्टम सॉल्यूशन है जिसमें यू हैव ओनली 2-3 लार्ज सिस्टम्स एक इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन आपको डिलीवर करना है 6 महीने के अंदर, अब आप ये देख रहे हैं कि आपने कौन सी चीज़ जो है ना वो लो लेवल पे डेवलप करनी है. मैं एक बोर्ड लेता हूँ, उस बोर्ड के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बेयर है. मुझे पहले तो उसको डिवाइस ड्राइवर्स डेवलप करने हैं, फिर मुझे उसके लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, मिडलवेयर डेवलप करना है, फिर उसकी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, और फिर फेल सेफ भी देखना है उसको. अब ये सारा काम करने के लिए ना मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए, और मुझे डेवलपर एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे डिवाइस ड्राइवर डेवलपिंग स्टैंडर्ड होता है उसको फॉलो करने, मतलब उसको फॉलो करना है, और उसको डिज़ाइन करने के लिए जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उसकी ज़रूरत है. फिर एप्लीकेशन सिस्टम सी, ठीक है, कि मुझे सिस्टम जो एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम करता है, ठीक है, उसको डेवलप करना है. तो अगर मैं हर चीज़ लो लेवल पर डेवलप करूँगा तो ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ रहा है. अब मेरे पर टाइम कम है तो हम क्या करते हैं, फिर कमर्शियल ऑफ द शेल्फ पे आते हैं. एवियोनिक स्टैंडर्ड्स में हमने देखा है कि जहाज़ के अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल है, उसके अंदर कोई भी एक सिस्टम एक पूरी कंपनी नहीं बनाती, उसका हेडअप डिस्प्ले कोई और बनाएगा, उसका एयर फ्रेम कोई और बनाएगा, उसका जो बस सिस्टम है वो कोई और कंपनी बनाती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और कंपनी का होता है, उसका जॉयस्टिक किसी और कंपनी का होता है, उसका उसके मतलब ये दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड टुगेदर. तो दिस इज नोन एज कमर्शियल ऑफ द सेल्फ. हम उसी को अगर इम्प्लीमेंट करें ना स्मॉल स्केल एम्बेडेड डिज़ाइन में, तो आप ये देखें कि आप एक इंडस्ट्रियल स्केल सिस्टम ऑन मॉड्यूल, एक कंप्यूटर ऑन मॉड्यूल लें जिसके अंदर प्री बिल्ड स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफाइड और क्वालिफाइड ओएस हो, क्वालिफाइड डिवाइस ड्राइवर्स हो, और एक इकोसिस्टम हो. उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी आपको, लेकिन आप फिर ये देखें रिफ्लेक्ट करें कि अगर मैं लोगों को तनख्वाह दे रहा हूँ एक साल की, तो अगर मैं वो तनख्वाह 4 महीने की दूंगा तो मेरी कॉस्ट वहाँ पर कवर हो जाएगी. तो ये बिल्ड एंड बाय एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, जो कि इसकी एक स्पेशली जो है मैंने वो रखा हुआ है सीपीटी सेशन. इसमें अगर करता तो ये 2-3 घंटे ज़्यादा ले जाता.
तो एक्चुअली मेरा मतलब बिल्ड एंड बाय का नहीं था, मेरा मतलब ये था कि वंस यू डिसाइड एवरीथिंग एंड यू देन गिव द टास्क टू ऑल द प्रोग्रामर्स हार्डवेयर डिजाइनर सिस्टम इंजीनियर सब काम दे दिया आपने, सब ब्लैक बॉक्स दे दिया हार्डवेयर के भी सॉफ्टवेयर के। अब जहां बात है कि जो आप एंटिसिपेट करते हैं ना टाइम, वो एक जैसा जो आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं जरूरी नहीं उतना टाइम लगे, कहीं ज्यादा लगता है कहीं कम लगता है, उस सूरत के अंदर आप किस तरह से अपना प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं ये इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, सो आई वांट यू टू सी कि आपका क्या, व्हाट्स योर टेक ऑन ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स, तो वो फिर इंशाल्लाह हम फिर बाद में बात करेंगे। थैंक यू। वो बात देखने के सर ये एक फराब साहब हैं, काफी देर से क्वेश्चन ये भी कह रहे हैं, फराब साहब का क्वेश्चन उन्होंने लिख के दिया, मैं उनको वर्ड टू वर्ड रीड कर रहा हूं उनका क्वेश्चन। Following are my three questions in your presentation slide of characteristics designing of embedded systems. At what stage phase of designing we consider selection of communication protocols in terms of devices to device to human, device to cloud communication? Second, पहला ये question सवाल दे दें, फिर second question पूछें। अच्छा, इसमें देखिए embedded system की जो अपनी nature है ना, उस nature पे उसका मतलब ही यही है कि एक एम्बेडेड सिस्टम डिफरेंट सिस्टम्स पे नहीं लग सकता। हर सिस्टम के लिए जो एम्बेडेड सिस्टम है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो एम्बेडेड सिस्टम उस सिस्टम की इनपुट्स और आउटपुट्स को देख के बना। तो हम ये किस तरह जज करें कि कौन सी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करनी है, ये डिपेंड करता है कि आपको थ्रूपुट कितनी चाहिए, आपको लेटेंसी कितनी चाहिए और आपकी रिलायबिलिटी क्या है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेंटिलेटर सिस्टम है और उस वेंटिलेटर सिस्टम के अंदर दो एम्बेडेड सिस्टम है। एक एम्बेडेड सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है प्रेशर को, प्रेशर वॉल्व्स को, फ्लो वॉल्व्स को, ठीक है, यानी एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा जो है वो सेंसर से फीडबैक लेता है और यूज़र इंटरफेस को देख रहा है, ठीक है। अब मुझे आपस में कम्युनिकेट करवाना है इसको, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला वाला एम्बेडेड सिस्टम है जिसको कंट्रोल इनपुट्स चाहिए, सेंसर के इनपुट्स चाहिए, वो टाइम पे चाहिए। अगर मैं सिंपल एक यूआर्ट लगा दूं 9600 बॉड रेट पे, हो सकता है काम करे, लेकिन फिर आप बगैर टेस्ट किए इसको पता नहीं कर सकते, आपको टेस्ट करना लाजमी है। आप टेस्ट करने के बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट सर्टिफिकेशन करने के बाद अगर आप कन्विंस कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि यूआर्ट इस्तेमाल करने के बाद भी फेलियर नहीं है, तो दैट इज योर स्टैंडर्ड नाउ, ठीक है। लेकिन जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जब आप एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो एयरक्राफ्ट के अंदर रिडंडेंट सिस्टम्स जो होते हैं ट्रिपल होते हैं और फोर टाइम्स होते हैं। एक इंजन कंट्रोल सिस्टम व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से जो कम्युनिकेशन कर रहा होता है वो थ्रू हाई स्पीड कम्युनिकेशन होता है और उसमें डिफरेंट डेटा बस इस्तेमाल होती है। उसका इस्तेमाल करने का वजह ये कि एक तो वो एयरक्राफ्ट सेटिंग में होता है, एक काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। तो उसमें स्टैंडर्ड है कि आप 1553B या एरिंग 429 की बसें इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपके पास छोटा स्मॉल स्केल है, अब आपने इस तरह की यहाँ पर बात की है कि डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस टू ह्यूमन एंड डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन, डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन इज योर इंटरनेट, ठीक है। बट डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन इज नॉट क्रिटिकल पैरामीटर, डिवाइस टू डिवाइस में भी ए क्रिटिकल पैरामीटर है कि एक आपके पास एक लेट्स से एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि यूजर से इनपुट लेता है और लेने के बाद वो कुछ परफॉर्म करे। लेकिन यूजर से इनपुट लेने के बाद वो जो एम्बेडेड सिस्टम है वो इनपुट को रजिस्टर नहीं कर रहा, तो उसको फेल, उसको टेक ओवर करने के लिए दूसरा सिस्टम करेगा। तो अब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन है वो इतनी तेज़ होनी चाहिए कि जो स्विच है ना वो बम्पलेस हो। तो उसमें फिर आप सीरियल कम्युनिकेशन देखें तो आप ईथरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हाई स्पीड होता है। आप कंट्रोलर एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करें, ठीक है, या आप सीरियल इस्तेमाल करें। सीरियल में आई स्क्वायर सी भी है और एसपीआई भी है। आई स्क्वायर सी और एसपीआई एक बोर्ड के ऊपर अगर सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तब उसके लिए बेहतरीन है, ठीक है। इंटर बोर्ड यानी अगर एक चिप से दूसरी चिप के दरमियान डिस्टेंस कम है आपका, आई स्क्वायर सी एसपीआई लॉन्ग डिस्टेंस पर काम नहीं करता। लॉन्ग डिस्टेंस पर आप करते हैं फिर ईथरनेट, लॉन्ग डिस्टेंस पर आप फिर RS-422, ठीक है, RS-232, या फिर आप कंट्रोलर एरिया नेटवर्क करें, या इसके अलावा जो मजीद आपके पास है ईथरकैट, इस तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो इसमें फिर डिपेंड डिवाइस टू डिवाइस में फिर डिपेंड हो जाता है कि आपके डिस्टेंस कितने हैं, ठीक है। डिवाइस टू ह्यूमन जो इंटरफेस है, तो नॉर्मली डिवाइस टू ह्यूमन इंटरफेस होता है
अगर आप एक एलसीडी स्क्रीन को देखते हैं तो एलसीडी स्क्रीन जो है ना वो आप जब आप माउस चलाते हैं अपना तो बड़ी तेजी से अपडेट होता है. तो अगर आपका एक इनपुट है जो कि एक मेरिट सिस्टम है जिससे एक अलार्म जनरेट करना है आपके स्क्रीन के ऊपर, लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ग्राफिक आते आते इतनी देर लग गई है, फिर फायदा नहीं है. तो फिर आप क्या करते हैं कि आप जो एलसीडी स्क्रीन लगाते हैं नॉर्मली उसके अंदर बहुत ही हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है जिसे कहते हैं लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग LVDS, और ये सीरियल सिग्नलिंग होती है. तो आप इस शुरू में इतने लो लेवल पर नहीं करते, शुरू में आप एक LCD लेते हैं कमर्शियल ऑफ द शेल्फ जिसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि दिस वर्क्स ऑन VGA या HDMI या कैमरा सीरियल इंटरफेस, ठीक है, या मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है. तो आपको पता है कि ये इंटरफेस जो है ना स्टैंडर्ड इंटरफेस है IEEE का, और आप अपना एम्बेडेड सिस्टम में इंटीग्रेट करें. डिवाइस टू क्लाउड जो है फिर वो वाईफाई में चले जाता है, इंटरनेट पर चले जाता है. तो वो फिर नॉन क्रिटिकल पैरामीटर हो जाता है उसमें, ये कि अगर कोई चीज़ टाइम पे ना मिले ना तो वो इतना नहीं है कि आप सारे का सारा अपना कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इस पर इन्वेस्ट कर दें और आपका जो सेफ्टी क्रिटिकल है वो फिर पीछे रह जाए. सर अनस, आपने माशाल्लाह ये क्यूरी को आंसर करते वक्त इनका सेकंड क्वेश्चन था वो भी मेरे ख्याल से आंसर कर दिया, सिलेक्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स. थर्ड क्वेश्चन था इनका कि जो फायरवॉल्स हैं वो तो हैं हमारे पास, लेकिन कोई हार्डवेयर पे सिक्योरिटी भी है हमारे पास? बस को एक क्रिस्प में कर दें, फिर नवेद साहब को भी हाथ रेस हो रहा है, उनसे भी सेशन का कमेंट ले लें, फिर इसमें कंक्लूड कर सकते हैं. जी, ये सिक्योरिटी जो है ना इनक्रिप्शन से कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है. तो सॉफ्टवेयर लेवल इंक्रिप्शन होती है, फिर हार्डवेयर लेवल इंक्रिप्शन होती है. हार्डवेयर लेवल इंक्रिप्शन इज मतलब ऑन सम स्केल इज नॉट हैकेबल. आपने एक हार्डवेयर बनाया हुआ है जो कि इंक्रिप्ट करता है, जो हैकर है ना उसको नहीं पता कि आपका हार्डवेयर किस तरह का बना हुआ है. सॉफ्टवेयर पे तो उसको पता है कि एल्गोरिथम किस तरह चलता है. जिस तरह FPGAs है ना, तो FPGA जो आजकल आते हैं, ठीक है, जिस तरह की जो आर्किटेक्चर मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, इसमें ये कि प्रोसेसर FPGA और ये जो सेंसर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर एक इंक्रिप्शन होती है, कहते हैं AES-256 इंक्रिप्शन, ठीक है, स्टैंडर्ड है. और इसको हैक करना ब्रूट फोर्स में इट विल टेक 700 years. प्रोसेसर में अगर सॉफ्टवेयर में करेंगे तो हो सकता है कोई एक्सपीरियंस हैकर वो हैक कर ले, लेकिन ये कि FPGA के अंदर बहुत मुश्किल है क्योंकि FPGA इज़ हार्डवेयर. वो हार्डवेयर की राउटिंग किस तरह हुई भी है, फ्लिप फ्लॉप्स कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, और वो करना वो मुश्किल है. तो इसलिए हार्डवेयर के ऊपर फिर आप FPGA पे इंक्रिप्शन लेकर आते हैं, फिर डेडिकेटेड इंक्रिप्शन ASIC डिवाइसेस होती हैं, ठीक है. तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि आप इधर भी एक इंक्रिप्शन लेवल रखें और एक सॉफ्टवेयर पे भी रखें, ठीक है, और एक यूजर इंटरफेस लेवल पे भी रखें और फिर नेटवर्क लेवल पे भी रखें. तो इसमें सिक्योरिटी जो है ना वो इस तरह फिर आप कर सकते हैं. फिर एक सिक्योरिटी होती है हार्डवेयर सिक्योरिटी ना, लॉक, प्रॉपर लॉक, डब्बा है, ताला लगा हुआ है, दैट इज अपेरेंट लॉक ना, ठीक है. तो वो फिर अलग है, वो फिर पूरे सिस्टम लेवल को देखते हैं कि आपने अपना जो सिस्टम है वो किसी एक बंदे की पहुंच से दूर रखा हुआ है जो कि उसको ख़राब ना कर ले. क्योंकि देखें FPGA के अंदर इंक्रिप्शन हो, अगर कोई उसको आग लगा के जला दे तो दैट योर सिस्टम इज फेल. तो आप ये एम्बेडेड का काम नहीं रहेगा, आप सिस्टम लेवल पे देखना है कि आपने उस सिस्टम को उसकी सिक्योरिटी किस तरह करनी है, वो ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी में आता है. थैंक यू सर अनस फॉर answering the queries. Are there any questions? Sir Naveed Ansari, aapka haath raised tha, sir, please, if you have any other query, please do let us know. वो मैंने उस पर क्रिएट किया था जब मेरी बात आपसे शायद उससे पहले मैंने किया था, वो होगी मेरी डिस्कशन. सर आपको बात कतकलामी की माजरत, आप अपना इंट्रोडक्शन अगर करा दें ताकि ऑडियंस को पता चल जाए कि आप कौन हैं. जी, मेरा नाम नवीद अंसारी है जी. आई हैव अ मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन. आई एम आल्सो एन MBA फ्रॉम IBA. मुझे 27 साल हो गए. मैं कंपनी हमने बनाई थी और अब चल रही है, उसका नाम है सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड. Or we are one of the pioneers of development of UPS systems indigenously in Pakistan. Besides that, we have also designed and developed power line conditioners, solar electronics like MPPT solar charge controllers. ये सारे के सारे embedded system हैं. और हमारा जितनी बातें हुई हैं इसमें लामहला security और safety का बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन development system की जितनी methodology है, ये तमाम बातें कि what to buy off the shelf and what to develop, time to market, manage development of the embedded system, ये सारी की सारी ये this is our bread and butter. So this is overall this was a very interesting session and I congratulate DSU
Professor Harris and Mr. Anas for a wonderful overview of the embedded systems. Iske andar jo safety security jo hai wo element meri request hai ki isko hum aur zyada dekh le taki we go a step ahead. Hamari jitne bhi systems hain wo chuke aise nahi hai ki jo khuda na khasta agar fail ho jaye to they cause a huge loss of life or property, but still jab bhi wo systems kabhi agar medical devices ya biomedical equipment ke upar lagte hain to wo we are very very concerned ki uske andar koi aisi dikkat na aaye ki khuda na khasta koi erroneous reading aa jaye kisi medical instrument ke andar. So this was a little bit about myself, but all in all I congratulate this series and I hope it will continue. Thank you sir Naved Ansari. Thank you sir Naved Ansari for your kind words. Please note down ke is session ke baad jo hamara group bana hai us pe main certificates to main aapko email pe आपको सेंड करूंगा आफ्टर द पीसी अप्रूवल, क्योंकि हम अटेंडेंस को पहले हम सेंड करते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, वहां से हमें ओके का मैसेज मिलता है तो हम फिर पार्टिसिपेंट को, जिसमें हमें एक वीक तक का टाइम लग जाता है पहली चीज़. दूसरा जो इस पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस है वो हमने नोट कर ली है, और जो पार्टिसिपेंट्स के अटेंडीज हैं उनको हम सर्टिफिकेट्स उनके जो ई मेल एड्रेसेस हैं उनके रिस्पेक्टिव ई मेल आई डीज पे हम उनको ई मेल करेंगे. दूसरी चीज. तीसरा जो हमारी दूसरी मजीद सीपीटी एक्टिविटीज हैं आगे आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला जो हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स है ऑटोनोमस सिस्टम्स पे करेंगे, डॉक्टर बेजत हुसैन जैदी हैं पावर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग उस पर एनर्जी मैनेजमेंट में करेंगे, डॉक्टर सभी हैं जो कंट्रोल सिस्टम्स पे करेंगे ऑटोनोमस सिस्टम्स पे भी उनकी होगी इंशाल्लाह ताला. फिर अनस बिन इफ्तिखार साहब हैं इंजीनियर, ये हमारे काफ़ी वर्सटाइल फैकल्टी मेम्बर्स हैं, ये ऑटोनोमस सिस्टम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग और AI के ऊपर इनका काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है. तो ये मजीद सीपीडी वेबिनार्स हमारे ऑन गोइंग होंगे, जिसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फेसबुक पेज जो है हमारा डब्ल्यू का डब्ल्यू डिपार्टमेंट DSU जैसा आपका होस्ट का नाम आ रहा है ना, इसी तरह से आप फेसबुक पे लिखेंगे तो हमारा फेसबुक पेज आ जाएगा, उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए. और इसी तरह से यूट्यूब चैनल है जिसमें हमारे टेक्निकल कोर्सेज हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और उन टेक्निकल कोर्सेज के हिसाब से कोई भी क्यूरी हो तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर्स से ही भी आप पूछ सकते हैं. अदरवाइज हमारा ईमेल आईडी है dusuelectrical@gmail.com, उस पर भी आप ईमेल करके कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हैं. मीनवाइल एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, उसको आप नोट कर सकें, वर्चुअल इंफॉर्मेशन वर्चुअल इन्फो सेशन हो रहा है DHSOFA की तरफ से 12 मई को 4 to 5 PM. एक वर्चुअल टूर है जो DHSOFA यूनिवर्सिटी का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आप अटेंड करें, हमारी PhD फैकल्टी आपको गाइड करेगी करिकुलम के हवाले से, हमारी मैनेजमेंट के हवाले से, सोफा की यूनिवर्सिटी के हवाले से, किस तरह से हम इंडस्ट्री से लिंकेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो एक वर्चुअल इन्फॉर्मेशन सेशन है ट्यूजडे को 12 मई 4 to 5 PM, उसका मैं एक ब्रोशर और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक भी CPT में शेयर करूंगा, तो प्लीज़ उसको भी देखिएगा. बाय द वे थैंक यू फॉर ऑल अटेंडिंग दिस CPT सेशन. आई होप दिस सेशन हैज़